चलिए शुरू करते हैं। तो हिस्ट्री से सारे प्रश्न रहेंगे। बीपीएससी प्रीवियस ईयर का मतलब ये बुक है। यहाँ पे आपको 66वीं बीपीएससी से लेके अभी मतलब सबसे पुराना 38वीं बीपीएससी तक के सारे प्रश्न यहाँ पे आपको दिया गया है। तो इसी को आज हम लोग कवर करेंगे। इससे पहले भी हम लोग लगभग इसका दो टॉपिक को कवर कर चुके हैं, जिसमें से आपका सामान्य भूगोल में विश्व भूगोल और भारत का भूगोल कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, बाकी टॉपिक को क्या करेंगे अभी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब चलेंगे आगे। आगे का टॉपिक में हमारा सबसे जो भारतीय इतिहास का जो पहला प्रश्न जो रहेगा, से भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सबसे पहले प्राचीनतम साक्ष्य को मेहरगढ़ से देखने को मिला है। कहाँ से मेहरगढ़ देखने को मिला है? तो भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आपको मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रश्न और भी पूछता है, से भारतीय उपमहाद्वीप में, ठीक है, पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम मतलब प्रारंभिक स्थल की बात करें तो मेहरगढ़ को माना जाता है। ठीक है, और ये स्थल कब का है? तो लगभग 7000 से 5000 ईसा पूर्व के मध्य मानव का बसाव क्षेत्र है। ठीक है, कुछ विद्वान मेहरगढ़ में पशुपालन का काल मतलब 8500 ईसा पूर्व से मानते हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर निगर जिले में स्थित जो है लहुरा देव है। ठीक है, तो नवीनतम खोजों के अनुसार अगर मानेगा तो क्या हो जाएगा? लहुरा देव हो जाएगा। ठीक है, बाकी पुराना वाला जो तो क्या है तो आपको पता ही है क्या हो जाएगा, तो मेहरगढ़ हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या है? तो दूसरा प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको, ठीक है, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है? ठीक है, तो कैल्कोलिथिक युग किसे कहते हैं? तो ताम्रपाषाण काल को मतलब क्या कहा जाता है? तो कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ताम्रपाषाण युग को क्या बोलते हैं? तो कैल्कोलिथिक युग बोलते हैं। अब ताम्रपाषाण युग को क्या कहते हैं? कैल्कोलिथिक युग भी कहते हैं। अब यहाँ पे कैल्कोलिथिक युग कहने के पीछे कारण क्या है? तो कैल्कोलिथिक युग कहने के पीछे कारण है कि जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ पत्थर के भी बने हुए उपकरणों का प्रचलन था, उन्हें प्राय ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पत्थर का औजार तो हम लोग पहले से प्रयोग करते थे, लेकिन यहाँ पे जाके हम लोग देखेंगे आप क्या देखो, तो यहाँ पे मतलब तांबे के ही मतलब क्या थे, तांबे के भी औजार मतलब साथ साथ मतलब क्या होने लगे, प्रयोग होने लगे। ठीक है, ध्यान में आपको ये रखना है। अब चलेंगे आगे का प्रश्न क्या है। तो आगे का प्रश्न देखिए, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग होता था? तो समानता मतलब लाल रंग का प्रयोग होता है। हालांकि काला रंग अगर ऑप्शन में रहेगा तो लाल अकाल काला दोनों होता है, लेकिन समानता जो था लाल रंग का प्रयोग किया जाता था, इसको आपको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और क्या बोलते हैं? मृद्भांड बोलते थे। क्या बोलते थे? चित्रित मृद्भांड इनको बोलते थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे क्या होता था। तो हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों पर व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता के पैर से चलित चाक का प्रयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चलित चाकू का प्रयोग किए जाने लगा था। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की दो श्रेणियां थी, एक तो जो था बिना डिजाइन वाले और दूसरे था जो कि जो दूसरे जो था चित्रित था। एक क्या था? बिना डिजाइन वाला था। दूसरा क्या था? तो चित्रित था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अमृत भांडों को बनाने वाले मिट्टी में रेत का मिश्रण होता था, जिनको पकाने पर यह हल्के, ठीक है, भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेते थे। इन मृद भांडों को किसी ऊपरे हिस्से में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्सों को काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। तो मैंने यही बोला कि यहाँ पे आपको काला रंग भी देखने को मिलेगा, आपको मतलब क्या तो लाल रंग भी देखने को मिलेगा। ठीक है, दोनों रंग मुख्यतः आपको यहाँ पे क्या था देखने को आपको मुख्यतः मिलते हैं। ठीक है, इसको आपको क्या कीजिएगा, तो इसको आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, काला रंग भी था लाल रंग भी था। ऊपर वाला हिस्सा लाल होता था और नीचे वाला हिस्सा जो होता था प्राय क्या होता था, तो प्राय मतलब क्या होता था, काला होता था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चौथा प्रश्न क्या है? सिंधु सभ्यता में निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ेगा? आद्य ऐतिहासिक युग में पड़ता है। मुख्यतः हम लोग सभ्यता को कई भागों में विभाजित करते हैं, जैसे किसे क्या होता है आप देखो ऐतिहासिक काल, इस काल का जो भी इतिहास हमें पता है जो कि ऐतिहासिक ग्रंथों के आधार पे होता है। प्रागैतिहासिक काल का बात करेंगे तो हमें जानकारी नहीं है, क्योंकि इस समय लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, इस काल के विषय में कोई जानकारी हमें नहीं प्राप्त होती है। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में हमें जानकारी तो प्राप्त होती है, बहुत सारी चीजें लिखी हुई चीजें तो मिली है, लेकिन दुर्भाग्यवश उनको पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, इन चीजों का आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है, मतलब इस काल की चीजों का अभी तक मतलब क्या किया गया है, पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का काल खंड प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, मतलब लेखन कला के ज्ञान का पहले का काम है। उसके बाद क्या आएगा? आद्य ऐतिहासिक काल आएगा जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का काल होगा। यहाँ पे मतलब क्या था, लेखन कला तो का तो ज्ञान था लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका। उसके बाद का जो समय जो आएगा, उसके बाद का जो समय जो होगा कैसा आएगा, ऐतिहासिक काल आएगा। कैसा काल आएगा? उसके बाद का समय जो आएगा ऐतिहासिक काल आएगा, जहाँ पे मनुष्य जो थे
पढ़ना लिखना मतलब क्या किए थे, तो मनुष्य यहाँ पे पढ़ना लिखना मतलब सीख गए थे, ठीक है, ध्यान में आपको रखना है। अगर पूछेगा लेखन कला का सबसे पहले विकास कहाँ पे हुआ, तो सुमेरियन की सभ्यता में हुआ। कहाँ पे हुआ? सुमेरियन की सभ्यता में जो था लेखन कला का विकास सबसे पहले हुआ था, ठीक है। आप देखेंगे सिंधु घाट की सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, तो आप देखो पक्की ईंट से बनी इमारत जो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे मतलब प्रमुख व्यवस्था मतलब थी, उसकी मतलब विशेषता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आप देखोगे बाद की जो सभ्यता जो आती है जो कि आर्य के द्वारा विकसित सभ्यता जो होती है, ठीक है, वो सभ्यता ग्रामीण सभ्यता होती है, लेकिन उनसे बहुत पहले का सभ्यता जो होता है एक तरह से शहरी सभ्यता होती है जहाँ पर पक्की ईंट का मतलब प्रयोग किया गया था। दूसरी बात, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता उनका नगर नियोजन भी था, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पा का बंदरगाह था, आप लोग जानते हैं हड़प्पा का बंदरगाह जो था लोथल था, लोथल गुजरात का अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे पे स्थित था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण मतलब हड़प्पा कालीन बंदरगाह भी था। आगे का प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है, तो गुजरात में तो जानते हैं क्या पड़ेगा, लोथल ही पड़ेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में टेराकोटा का हल मिला था, टेराकोटा का हल कहाँ पे मिला, तो बनावली में मिला, ठीक है। अब बनावली स्थल किस राज्य में था, तो क्या बताएंगे, हरियाणा। बिल्कुल बनावली की बात करेंगे तो आपको हरियाणा के फतेहाबाद जिले में मिलता है, ठीक है, ध्यान में। यहाँ पे टेराकोटा हल प्राप्त हुआ है। अब टेराकोटा क्या होता है, जब किसी चीज को मिट्टी में पका देते थे उसको टेराकोटा बोलते थे, ठीक है, तो मिट्टी के चीजों को जब उसको पकाते थे आग में तो उसको टेराकोटा बोलते थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब क्या निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं, ठीक है, तो कहाँ से मिला है, कालीबंगा से, ठीक है, कालीबंगा से क्या मिला है, तो जूते हुए खेतों के मतलब क्या मिला है, निशान मिला है, ठीक है। कालीबंगा कहाँ था, तो कालीबंगा की बात करेंगे तो कालीबंगा आपको कहाँ पे देखने को राजस्थान मिलता है, बताइए, राजस्थान 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 में, ठीक है, राजस्थान में आपको कालीबंगा आपको देखने को मिला। राजस्थान का जिला पूछेगा तो हनुमानगढ़ जिला मिलेगा, ठीक है। कालीबंगा किस नदी के किनारे था, घग्गर नदी के किनारे था, किस नदी के किनारे नदी था, तो ध्यान में रखेंगे घग्गर घग्गर नदी के किनारे था, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। धौलावीरा की बात करेंगे गुजरात में आपको मिल जाएगा, ठीक है, लोथल भी था गुजरात में था जहां से क्या मिला, गोदीवारा का साक्ष्य मिला है, ठीक है, ध्यान में आपको ये रखना है, ठीक है। हरियाणा से क्या मिला था, फतेहाबाद जिला हरियाणा से क्या मिला था, बनावली से पक्के हुए मतलब हरियाणा फतेहाबाद जिला बने वाला बनी क्या नाम है इसका, बनावली से क्या मिला है, तो यहाँ पे बनना। पकी मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है, या फिर बोल सकते टेराकोटा हल मिला है, ठीक है। निम्नलिखित में से बात करें तो आगे का प्रश्न क्या है, आप देखोगे निम्नलिखित में से क्या देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित थे, ठीक है, आर डी बनर्जी थे, या फिर बात करेंगे, ठीक है, बी एस स्मिथ थे, ठीक है, नहीं थे पूछ रहा है, ठीक है, कौन नहीं थे, ठीक है, नहीं थे, तो आर डी बनर्जी भी थे, के एन दीक्षित भी थे, या आपको बी एस स्मिथ थे, ये नहीं थे, क्योंकि बी एस स्मिथ का एक स्टेटमेंट है, किसके बारे में इनका स्टेटमेंट है, तो इनका स्टेटमेंट नेपोलियन के बारे में है, ठीक है, नेपोलियन बोलते हैं क्या नाम इनका, समुद्रगुप्त के बारे में है, समुद्रगुप्त को ये भारत का मतलब क्या कहते हैं, नेपोलियन कहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए उसके बाद आगे चलेंगे, तो बोगाजकोई का महत्व इसलिए क्यों है, बोगाजकोई का इंपोर्टेंस क्यों है, तो बोगाजकोई का इंपोर्टेंस इसलिए है कि वहां के जब अभिलेख से प्राप्त में वैदिक देवी में देवताओं का आपको वर्णन आपको देखने को मिलता है, कौन कौन से देवता का वर्णन देखने को मिले, इत्र इंद्र मित्र वरुण और नासत्य देवताओं का आपको यहाँ पे वर्णन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। आप पूछेंगे वैदिक धर्म जो था किस तरीके से आया, तो वैदिक धर्म देखोगे ईरान होते हुए मतलब क्या होता है, भारत की ओर मतलब वैदिक धर्म जो होता है प्रवेश करता है, ठीक है। टोटल 126 क्वेश्चन है जो कि 38वीं बीपीएससी से लेकर 67वीं बीपीएससी तक पूछा गया है, ठीक है, दो तीन भी लोग रहेंगे मैं करवा दूंगा, क्योंकि मुझे इसको यूट्यूब पे मुख्य रूप से अपलोड करना है, इसीलिए मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, आप लोग कर लेंगे मेरे साथ तो अच्छा रहेगा, नहीं तो यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, ठीक है। प्रसिद्ध दशरथगढ़ का युद्ध जो था किस नदी के किनारे हुआ था, आप लोग जानते हैं पर्शनी नदी के किनारे हुआ, ठीक है, ये दस परुष राज्य युद्ध इसको इसलिए ने कहते थे मुख्यतः, प्रिया जी आवाज नहीं आ रही आपकी, ठीक है, दस राज्य युद्ध इसको इसलिए कहते क्योंकि यहाँ पे 10 राजाओं का युद्ध था, ठीक है, पर्शनी नदी के तट पे लड़ा गया था। पर्शनी नदी को रावी नदी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जिसमें भरतों के राजा सुदास ने 10 राज्यों के संघ को हरा दिया, ठीक है, यहाँ पे जो भरत का राजा जो था सुदास जो था उसने क्या किया, 10 राजा का जो संघ जो था उसको हरा दिया। इस संघ के आर्य इस संघ में आर्यों के प्रमुख जन जो थे अनु थे, दू थे, यहू थे, पुरु थे, तुर्वसु थे, ठीक है, तथा 5 जो थे लघु जनजाति का समूह सम्मिलित था, जिनके पुरोहित क्या थे, विश्वामित्र थे, ठीक है, तो एक के पुरोहित जो थे विश्वामित्र, एक के पुरोहित जो थे वशिष्ठ थे, ठीक है। चलिए अब चलेंगे ऋग्वेद में कौन सा मंडल सोम को समर्पित है,
तो सोम को समर्पित है, जी नौमान मंडल होता है। सोम क्या था? सोम एक प्रकार का पेय पदार्थ था। क्या था सोम? क्या था? एक पदार्थ का पेय पदार्थ था, ठीक है। उसने उनसे मतलब एक देवता भी समर्पित है जिनको नौमा मंडल उनके लिए मतलब समर्पित किया गया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ऋग मंडल में बात करेंगे तो ऋग मंडल में कुछ 10 मंडल आपको देखने को मिलते हैं। नौमा मंडल में 114 मंत्र सोम को समर्पित है। अगर पूछेगा नौमा मंडल जो सोम को समर्पित है उनके लिए मंत्रों की संख्या कितनी है, तो उनके लिए 114 मंत्र है, जैसा कि मैंने आपको बताया। हाँ, जैसा कि बिल्कुल जिनको क्वेश्चन करना है पूछ सकते हैं, ठीक है। बात करेंगे सोम आर्यों का क्या था? मुख्य पेय पदार्थ था, जिसे वो क्या कहते थे? मुंजपत पर्वत से प्राप्त करते थे। ये मुंजपत पर्वत कहाँ था? तो ये मुंजपत पर्वत हिमालय से मतलब आपको देखने को मिलता है। ऋग्वेद के 10म मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख आपको देखने को मिलता है, जिसमें से ब्राह्मण के सशरीर से मतलब चारों वर्ण से संबंधित जातियों का मतलब क्या उत्पत्ति मतलब बताया गया है। पूछिए किनको क्वेश्चन पूछना है। बोलिए। चलिए आगे देखेंगे। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्व तक किंतु समर्पित है, तो ये तो प्रश्न हो ही चुका है। सोम और इस पेय पर नामकृत देवता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो सोम देवता का भी नाम है, सोम पीने वाला पदार्थ का भी नाम है। सोम जो था आर्यों का पेय पदार्थ था, ठीक है। क्या था? आर्यों का पेय पदार्थ था, ठीक है। दो तरह का पेय, एक सोम था एक सूरा था। तो सोम जो था ना सामाजिक तौर पे मतलब इसका पी सकते थे लोग, ठीक है। सूरा जो था ना एक तरह से उसको सामाजिक तौर पे नहीं पी सकते, उसको समाज से बहिष्कार किया गया था। यज्ञ वगैरह जब होता था ना तो उस समय सोम लोगों को मतलब प्रस्तुत किया जाता था, ठीक है, यज्ञ वगैरह के अवसर पे, ठीक है। आप देखें गायत्री मंत्र जो था किस पुस्तक में आपको देखने को मिलता है उल्लेख? तो गायत्री मंत्र आपको ऋग्वेद में देखने को मिलता है, ठीक है। इसको आपको क्या करेंगे ध्यान रखें, कहाँ देखने को मिलता है? तो ऋग्वेद में आपको गायत्री मंत्र आपको देखने को मिलता है मुख्य रूप से, ठीक है, ध्यान रखना है। इनके रचनाकार कौन थे? तो इनके रचनाकार विश्वामित्र थे। यह मंत्र ऋग्वेद में तृतीय मंडल में वर्णित है। किस मंडल में वर्णित है? तो तृतीय मंडल में ये ऋग्वेद जो है आपको वर्णित आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसको आपको क्या करना है ध्यान में रखना है, ठीक है। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो भले ही बाद में डॉल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया होगा, लेकिन आप देखेंगे, ठीक है, वैशेषिक दर्शन में, ठीक है, कनाड ने बहुत साल पहले मतलब परमाणु सिद्धांत आपको दे दिए थे, ठीक है। तो हमारा कल्चर जो है इतना मतलब बेहतर रहा, इतना मतलब समृद्ध रहा शुरू से, ठीक है। भले ही बाद में कोई दूसरा क्रेडिट लेकर चले जाओ दूसरी बात है, ठीक है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ था। महर्षि कनाड ने इस दर्शन के प्रवर्तक थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। महावीर स्वामी की जन्म से संबंधित प्रश्न है, तो बहुत ही आसान प्रश्न। कुंड ग्राम कहाँ पे पड़ता था? वैशाली में पड़ता था। गौतम बुद्ध सॉरी महावीर स्वामी का जन्म काल 599 ईसा पूर्व में हुआ था। एनसीईआरटी का डाटा है, 540 को आप लोग भूल जाए, ठीक है, जबकि एनसीईआरटी का पुस्तकों में 540 उद्धृत है, लेकिन 599 भी इसका लेता है। हालांकि एनसीईआरटी ने आई थिंक साथ सुधार दिया है, ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। माँ का नाम क्या था उनका? त्रिशला था, जो कि लिच्छवी गणराज के प्रमुख चेतक की बहन थी। तथा पिताजी का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और सिद्धार्थ जो था गौतम बुद्ध का बचपन का भी नाम था, ठीक है। सो प्लीज नॉट कंफ्यूज, ठीक है। बात ये किस वंश से आते थे? तो ज्ञात्रिक थे, क्षत्रिय थे, कुल का नाम ज्ञात्रिक था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और इनके पिता जो थे ज्ञातिक क्षत्रियो के संघ के मतलब प्रधान थे। बड़े भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन। और नंदीवर्धन से ही मतलब क्या करते? परमिशन लेके घर छोड़ने का प्लान करते, ताकि इनको ज्ञान की प्राप्ति हो सके, ठीक है। चलिए अब चलेंगे आगे। आगे चलेंगे तो मेरा कितना नंबर? 18 नंबर प्रश्न होगा। 18 नंबर प्रश्न क्या? महात्मा बुद्ध जी का जन्म की बात करेंगे तो 563 ईस्वी पूर्व। एनसीईआरटी के नवीन संस्करण में महावीर स्वामी का जन्म 599 प्रकाशित हो चुका है, इसलिए मैंने पहले ही बोल चुका है गलती हुई थी, ठीक है, गलती हुई थी, लेकिन गलती को अब क्या किया गया है? सुधार लिया गया है, ठीक है। आप लोग भी इस गलती को क्या करें? सुधार लें। 540 नहीं करेंगे अगर दोनों रहेगा, क्या करेंगे? 500। बोलिए एक बार, क्या करेंगे? 599 करेंगे, ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? तब इनकी मृत्यु होती है पावापुरी में होती है, जन्म होता है कुंडग्राम में होता है, ठीक है, ध्यान में। 72 वर्ष की आयु में इनका निधन हो जाता है, ठीक है, ध्यान में। 72 वर्ष की आयु में राजगीर के समय पावापुरी के नामक स्थान पे इन्होंने अपने शरीर को मतलब क्या किया? त्याग दिया। इसको आपको क्या करना है ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे तो आगे का प्रश्न क्या है? आगे का प्रश्न देखिए 19 नंबर प्रश्न है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो प्रथम इनके इनका कहते हैं सन इन लॉ मतलब दामाद थे, जिनका नाम था जमाली था। इनका पुत्री का नाम क्या था? तो पुत्री के नाम प्रियदर्शना था, प्रियदर्शना था इनकी पुत्री का नाम, जिनसे विवाह हुआ था किनका? जमाली का हुआ था, जो कि महावीर स्वामी के प्रथम क्या थे? अनुनायी बने थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पूछा जाता है
कितने गंधर्व में विभाजित किया था, ठीक है, तो 11 गंधर्व में विभाजित हुआ था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कितने गंधर्व में विभाजित हुआ, 11 गंधर्व में विभाजित हो गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, 11 याद रखिएगा, कई बार एग्जाम इस प्रश्न को मतलब क्या किया है, पूछा है, ठीक है। हाँ आगे जी चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सबसे, ठीक है, पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है, तो सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ 14 पूर्व कहलाता है, क्या कहलाता, 14 पूर्व कहलाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 12 अंग जो था वो जैन संघ सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था, 12 अंग का, लेकिन पूर्ण रूप से 12 अंग का संकलन जो था प्रथम जैन सभा में नहीं हुआ था, तो आखिरी रूप से और अंतिम रूप से द्वितीय जैन संगति में इसको किया गया था। तो देख लीजिएगा प्रश्न में क्या लगा रहा, अंतिम रूप तो लगा तो नहीं रहा है, अगर अंतिम रूप से संकलन करने की बात होगी तो सेकेंड हो जाएगा, लेकिन इसको शुरुआत जो थी 12, ठीक है, 12 अंगों का, 12 अंग जो थे उसका प्रथम जैन संगति में इसका संकलन प्रारंभ हो गया था, लेकिन अंतिम में जाके आखिरी रूप से क्या किया गया, तो आखिरी रूप से मतलब क्या किया गया था, इसको मतलब पूरा किया गया था, ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले क्या रहे, 14 पूर्व, पूर्व का मतलब क्या, पहले का, ठीक है, उसके बाद मतलब अंग आएगा, तो पहले पूर्व और फिर मतलब अंग आएगा, इसको ध्यान में रखिएगा, गलती मत कीजिएगा, ठीक है, पूछेगा पुराना कौन है, तो पूर्व पुराना है, बाद में अंग आएगा, ठीक है, क्योंकि पूर्व को काउंटर करने के लिए अंग लाया गया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया, तो धर्म चक्र प्रवर्तन मतलब होता है तो मतलब ज्ञान, ज्ञान मतलब कहाँ पे लोगों को उपदेश दिया, ठीक है, तो सारनाथ में दिया, ठीक है, ध्यान रखें। अगर इसके बारे में अगर पूछेगा महावीर स्वामी के बारे में, तो राजगीर के पहाड़ियों में दिया था, 5 पहाड़ी है ना सर राजगीर, तो वहां पे इन्होंने सबसे पहले अपना ज्ञान दिया था महावीर स्वामी ने, ठीक है, लेकिन गौतम बुद्ध ने कहाँ दिया, तो गौतम बुद्ध ने सारनाथ में दिया, ठीक है, ध्यान में। सारनाथ कहाँ पे पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, नियरेस्ट शहर की बात करेंगे तो बनारस से काफी नजदीक में है, ठीक है। 6 वर्ष की अवस्था में, मात्र 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, 29 वर्ष की आयु में ये घर छोड़ दिए थे, किनसे परमिशन लिए थे, किसी से परमिशन नहीं लिए थे, अपने बीवी और बच्चे को सोते हुए अवस्था में घर पर छोड़कर चले आए थे, ठीक है, लेकिन महावीर स्वामी की बात करेंगे तो महावीर स्वामी अपने बड़े भाई, ठीक है, नंदीवर्धन से परमिशन लेकर आए थे, ठीक है, कहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति होती कहाँ पे होती है, तो बोध गया में होती है, ठीक है, किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, यही पीपल वृक्ष आगे चल के मतलब क्या बना, बोधि वृक्ष कहलाया, ठीक है, किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति होती है, फल्गु नदी के किनारे, मतलब या फिर इनको क्या होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया, अगर बाय द ऑप्शन में सारनाथ अगर ना रहे तो देख लीजिए ऋषि पत्नम तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि सारनाथ को ऋषि पत्नम के नाम से भी जानते हैं। पहला उपदेश किसने दिया था, 5 ब्राह्मणों के लिए, 5 ब्राह्मण जो थे इनके शुरू से मित्र थे, लेकिन बाद में एक बार ये तपस्या पे तो बैठते, लेकिन एक बार जब ये क्या बोलते खीर का सेवन जब कर लेते तो इनके मित्र जो थे इनका साथ छोड़कर चले जाते, ठीक है, बाद में जाके इन्हीं को मतलब इन्होंने सबसे पहला अपना उपदेश दिया था, ठीक है, और इस घटना को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, ठीक है, और इस उपदेश दुख दुख के कारणों का अंत तक उनके समाधान से संबंधित था, इसे 4 आर्य शर्त भी कहा जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे 4 आर्य शर्त है, ठीक है, पता है, और वहां पे कितना है जैनिज्म में कितना है, 5 है, ठीक है, ध्यान में रखें, जिसमें अंतिम वाला क्या है, जिसमें महावीर स्वामी ने जोड़ा था ब्रह्मचर्य को उसमें शामिल कर दिया था, ठीक है। आप देखेंगे महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ था, महापरिनाम कुशीनगर में हुआ, यह स्थान भी आपको कहाँ है, उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है, कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, ठीक, क्या हो गया था, इनको रक्तासार हो गया था, ठीक है, और इनसे भयानक पीड़ा हुआ है, इसके बाद इसी वेदना से कुशीनारा या फिर कुशीनगर में, ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई, किसकी राज्य थी वो, ठीक है, मल्लों की राज्य थी, ठीक है, मल्ल गणराज्य की मतलब राजधानी थी, ठीक है, 483 ईस्वी पूर्व में इनको मतलब 563 में इनका जन्म हुआ था, 483 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ, इनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई, दोनों के बीच में अंतर 80 साल, इनका जीवन काल कितना रहा, अंतिम साल, महापरिनिर्वाण जो कहते हैं बौद्ध ग्रंथ में इनको महापरिनिर्वाण कहा गया है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सर्वाधिक धर्म का प्रचार कहाँ किया गया था, प्रसेनजीत के राज में किया, जो कि कोसल राज्य था, प्रसेनजीत से इनकी बहुत अच्छी मित्रता हुआ करती थी, इसलिए सर्वाधिक जो था इन्होंने उपदेश जो थी कहाँ पे दिए, तो यहीं पे दिए, ठीक है, ये चीज आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है, ठीक है। आप चलते हैं आगे, जी ठीक है, आगे चलेंगे तो आगे कुछ प्रश्न है, जैसे किसे देखेंगे यहाँ पे, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है, तो त्रिपिटक जो है बौद्ध के धार्मिक पुस्तक है, बौद्ध धर्म से कितने प्रकार के पिटक होते हैं, पिटक का शाब्दिक का टोकरी होता है, ठीक है, इसमें साथ नहीं लिखा है लेकिन मैं बता देता हूँ क्या होता है, पिटक का शाब्दिक का टोकरी होता है, ठीक है, ज्ञान की टोकरी होता है, ठीक है, ये जब ये बौद्ध धर्म में जब ये आए तो बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलन करके 3 भागों में पाट दिया गया, जो भी लोग बौद्ध संघ में जो शामिल होते थे
तो उनके इन सारी चीजों को मतलब माननी होती थी, जिसमें पहला विनय पिटक। विनय पिटक में संघ के संबंधित नियम, मतलब संघ में शामिल होने के लिए कौन कौन सा नियम मानना पड़ेगा, वो आपको विनय पिटक में आपको शामिल किया गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। दूसरा था सूत पिटक। सूत पिटक में महात्मा बुद्ध के जो वचन वगैरह जो थे, ठीक है, वो उनको सूत पिटक में क्या किया गया, शामिल किया गया, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो था आपका क्या था, तीसरा अधिदम पिटक। अधिदम पिटक थोड़ा समझना कठिन होता था, क्योंकि इसमें क्या थे, दार्शनिक सिद्धांत थे, क्या थे इसमें, दार्शनिक थ्योरी के अधिदम पिटक में रखा गया, ठीक है। अगर पूछेगा बौद्ध संघ के नियम किस में थे, विनय, विनय का मतलब क्या होता है, नियम ही होता है, ठीक है, विनय का मतलब क्या होता है, नियम होता है एक तरह से, ठीक है। तो विनय पिटक में संघ के संबंध नियम थे, सूत पिटक में क्या थे, सूत पिटक में महात्मा बुद्ध के, ठीक है, वचन थे, उपदेश थे उनके, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप देखिए त्रिरत्न, ठीक है, जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, सटीक क्रिया, किस धर्म से संबंधित, बौद्ध धर्म से जैन संबंधित है, हिंदू धर्म से संबंधित है, जैन से संबंधित है, तो ये आपको जैन से संबंधित है, जैन किससे धर्म संबंधित है, जैन से संबंधित है। जैन में मतलब तीन प्रकार के त्रिरत्न दिया गया है, कौन कौन सा त्रिरत्न है, ठीक है, जैन धर्म में मोक्ष के लिए तीन प्रकार के, ठीक है, साधन आवश्यक बताया गया, पहला सम्यक दर्शन, सॉरी सम्यक धारण मतलब दर्शन, सम्यक चरित्र है, सम्यक ज्ञान है, इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की मतलब संज्ञा दी गई है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलते हैं आगे। अब आगे का प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है, ठीक है, तो आत्मदमन का थ्योरी जो है दोनों में समान नहीं है, क्योंकि मतलब बात करेंगे, गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश मांगा है, ठीक है, मध्यम मार्ग का, जबकि वे मोक्ष के लिए कठोर साधना एवं काया कलेश में विश्वास नहीं करते थे, जबकि जैन धर्म में संलेखना मेथड का मतलब प्रयोग किया गया, जिसमें भूख प्यास त्याग के, ठीक है, आपको अपना प्राण को मतलब क्या होता था, त्यागना होता था, ठीक है, ये मतलब काफी कठिन मार्ग बताया गया है, इसीलिए मतलब ये चीज दोनों में मतलब समानता नहीं है, ठीक है। वेदों के प्रति दोनों उदासीनता है, अहिंसा के मार्ग दोनों मानते हैं, लेकिन अगर पूछेगा किसमें ज्यादा अहिंसा है, तो जैनिज्म में बौद्धिज्म के कंपेयर में बहुत ही ज्यादा आपको अहिंसा आपको देखने को मिलता है। रीति रिवाजों की अस्वीकृति दोनों ने किया था, मूर्ति पूजा का विरोध दोनों ने किया था, ठीक है, ध्यान में, दोनों ने मतलब सर्वसाधारण की भाषा जो थी उनमें अपना शिक्षा दिया था। इन सारे फैक्ट को आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। बोध गया में जो बोधि वृक्ष जो किस पीढ़ी का है, तो ये आपको पंचम पीढ़ी का है, किस पीढ़ी का है, पंचम पीढ़ी का। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है, देखिए, महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है जिससे नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान को प्राप्ति किया था। अभी बहुत लोग समझते थे यही है बोधि वृक्ष जिसमें महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी बोल रहा हूँ, महात्मा बुद्ध ने बैठकर ज्ञान की प्राप्ति की थी, वो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हुवेन संघ की बात करेंगे, हुवेन संघ के अनुसार बात करेंगे तो वह मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में एक सम्राट था जिसका नाम शशांक, उसने कटवा दिया था, ठीक है, तो 7वीं शताब्दी में, ठीक है, हुवेन संघ के अनुसार अगर बात करेंगे, शशांक जो था, शशांक जो कि बंगाल का शासक था, वह मतलब बहुत ही मतलब कट्टर था, बौद्धिज्म का बहुत बड़ा कट्टर था, तो उसने उसको कटवा दिया, ठीक है। इसके बाद इस स्थान पर दो और वृक्ष रोपित हुए, नष्ट हो गए, दो और लगाया गया उसके बाद वो नष्ट हो गया, ठीक है, तो तीन तो ऐसा ही गया। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हो 5वीं पीढ़ी का है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंगम ने लगाया था, किसने लगाया था, अलेक्जेंडर कनिंगम ने, ठीक है, यही पुरातत्व विभाग के, ठीक है, सॉरी क्या बोलते हैं, इंडियन फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कनिंगम बहुत है, ठीक है, इन्होंने इसको लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है, केवल इसे गिरी हुई पत्तियों को छूने व उठाने का अधिकार है, आप इसके पत्ते को तोड़ नहीं सकते, ठीक है, पूरी तरीके से क्या कहा गया, इसको संरक्षित मतलब संरक्षित माना गया है, मतलब आप इसके पत्ती को मतलब क्या कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते, केवल इसका जो गिरा हुआ पत्ती जो है ना उसको आप क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं, ठीक है। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रम से दो बार वो भी अशोक, नहीं मिल एक बार पुष्पमित्र, रहा सुन आवाज नहीं आ रही आपकी, ठीक है, ठीक है, कितने, दो बार अशोक ने, एक बार पुष्पमित्र सुन ने, एक बार पूरे बर्मा तथा अंत में कनिंगम के द्वारा लगवाया गया था, अतः यह 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है, ठीक है। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग के वेबसाइट पर इसे 5वीं पीढ़ी का मतलब बताया गया है, ठीक है। तथ्यों में विवाद होने के कारण बिहार लोकसभा आयोग ने इस प्रश्न का मूल्यांकन से बाहर कर दिया था, ठीक है, बिहार सरकार ने इसे, बिहार सॉरी बीपीएससी ने मतलब इस प्रश्न को मानने से इनकार कर दिया था, क्योंकि बिहार सरकार के जो वेबसाइट पे इसको 5वीं पीढ़ी का माना गया है, लेकिन बहुत जगह 6ठी पीढ़ी का लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए विवादित प्रश्न है, 5वीं 6ठी पीढ़ी देख लीजिएगा, ठीक है। बाबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था, अजीब काव ने किया था, किसने किया था, बराबर की गुफाओं का कौन अजीब काव ने किया था, ठीक है। बराबर की गुफाओं की बात करेंगे तो बिहार राज्य के जहानाबाद जिले में, कहाँ पे है, जहानाबाद जिले में, ठीक है, नहीं दिया है हाँ क्या, जहानाबाद जिले में, ठीक है, ध्यान रखिए। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे नागार्जुन पहाड़ी को काटकर बनाया गया, अशोक के समय बाबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चोपार नाम का गुफा सब प्रसिद्ध है, ठीक है,
अशोक के समय देखिएगा तो यहाँ पर सुदामा की गुफा, कर्ण चौपर की नामक गुफा जो था काफी अधिक प्रसिद्ध थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक आप लोग जानते हो, मखली गोसाल। कौन हो जाएंगे? मखली घोषाल। गोसाल, ठीक है। अब मखली गोसाल की बात बाद में करेंगे। तो ये महावीर स्वामी के शिष्य हुआ करते थे शुरू में, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग दी, आजीवक नामक, ठीक है, स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं क्या होती है, संचालित होती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आगे चलेंगे तो आगे का प्रश्न क्या है? आगे का प्रश्न देखेंगे 29 नंबर प्रश्न है। 29 नंबर प्रश्न क्या है तो देखेंगे, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो आप लोग जानते हैं पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन था, ठीक है। उदयन उदयन किसका पुत्र था? तो अजात शत्रु का पुत्र था, ठीक है, अजात शत्रु का पुत्र था। और मतलब बिंबिसार का मतलब क्या था? पोता था, पता हो। इसने मतलब गंगा एवं सोन नदी के संगम पे किला बनाकर इसकी रचना की थी। इसने मगध की राजधानी राजगिरी से, ठीक है, पाटलिपुत्र हस्तांतरित कर दिया था। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रही थी, ठीक है। तो इनको आपको क्या करना है, इन सारे प्रश्न को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद चलेंगे 30 नंबर प्रश्न क्या है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो उदयन के द्वारा किया गया, हो गया। 31 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो किस राजा? उदयन ने पाटलिपुत्र बसाया था, ठीक है, जो कि किस नदी के किनारे? गंगा और सोन नदी के संगम पे पाटलिपुत्र बसाया था। इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे, तो आगे चलेंगे तो कुछ प्रश्न है उसको भी जरा देख लेते हैं। आगे चलेंगे तो प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न, 31 नंबर, 32 नंबर प्रश्न, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच पियो के द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। लिच्छवी किस संघ के सब प्रमुख थे? तो पजी संघ में सब प्रमुख थे, ठीक है, लिच्छवी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? तो मगध की प्रारंभिक राजगीर थी, जिसको गिरिव्रज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ध्यान में आपको ये रखना है। अब देखिएगा पुराणों के अनुसार अगर बात करते हैं, ठीक है, तो मगध पर शासन करने वाला पहला वंश कौन था? बृहद्रथ वंश था। कौन वंश था? तो बृहद्रथ वंश था, ठीक है, मगध पर शासन करने वाला, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो कि पहला वंश था। इस वंश के पहले राजा जो थे बृहद्रथ के पुत्र जो थे जरा सिंह थे, जिनके बारे में आपको चर्चा महाभारत में भी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। क्या हुआ था जरा सिंह के साथ? किसका मतलब मल्ल युद्ध हुआ था? भीम के साथ, भीम का, भीम का, भीम का मल्ल युद्ध हुआ था, ठीक है, भीम का, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शाकी जो था बिंबिसार था, यह हर्यक वंश से संबंधित था। इनकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुआ। अजातशत्रु का उदयन जो था राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र इसको उठा कर ले जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आगे चलेंगे तो कुछ प्रश्न है, ठीक है। सेंड्रोकोटस से समुद्र गुप्त, ठीक है, सेंड्रोकोटस से, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है? तो विलियम जोन्स ने की है। किसने की है? विलियम जोन्स ने की है, विलियम ठीक है, ध्यान जोन्स। रखिएगा। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान, ठीक है, मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की है। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहा है, ठीक है। तो एंड्रोकोटस किसने कहा है? एरियन तथा प्लूटार्क ने कहा है, ठीक है, एरियन तथा प्लूटार्क ने कहा। इनका नाम क्या था? एंड्रोकोटस था। क्या था इनका नाम? एंड्रोकोटस था। जबकि जस्टिन ने सेंड्रोकोटस, ठीक है, जबकि जस्टिन ने क्या कहा है? जस्टिन ने मतलब क्या कहा? सेंड्रोकोटस कहा है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और सिकंदर महान का भेंट का उल्लेख भी किया है, ठीक है। तो सबसे पहले मतलब विलियम जोन्स ने और जस्टिन ने भी सेंड्रोकोटस से कहा, बल्कि एंड्रोकोटस किसने कहा? तो एंड्रोकोटस किसने कहा? एरियन तथा प्लूटार्क ने कहा है, ठीक है। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में पढ़ा था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे उन्होंने लेखों को पढ़ने के बाद पता चला, ठीक है, देवान पीएम, ठीक है, देवा पीएम की पहचान सिहिनी के राजा तीस से कर डाली, ठीक है। देवान पीएम जो पढ़ा ना, उन्हें बोला ये तो श्रीलंका का राजा जो है तीस से, लेकिन बाद में जाकर इस गलती को सुधारा गया। अब बाद में बोला सिहिनी अनुश्रुतियों के दीप वंश तथा महावंश से उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त हुई थी। तो ये भी पूछता है ये जो है दीप वंश और महावंश जो है किसका ग्रंथ है, ठीक है, ये बौद्ध ग्रंथ है, लेकिन श्रीलंका में का, ठीक है, सिहिली बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कौन सा ग्रंथ है? सिहिली बौद्ध ग्रंथ है, दीप वंश और क्या, महावंश, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो पहले जो देवान पीएम शब्द जो है यहाँ पे, ठीक है, जेम्स प्रिंसेप ने बोला ये शब्द जो है सिहिनी सिहिना राजा मतलब श्रीलंका का राजा तीस से मतलब उन्होंने कर डाली, लेकिन बाद में पता चला नहीं है अशोक से। बाद में जाकर मास्की अभिलेख कर्नाटक से प्राप्त होता है, वहां से भी अशोक के नाम को मतलब क्या किया गया,
पढ़ दिया गया, तो ये आप क्या करोगे, ध्यान में रखोगे, ठीक है। मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम क्या, रसायन है, इंडिका नाम है मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम। मेगास्थनीज से कुछ प्रश्न बनते, जैसे ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, सिकंदर का सम चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन था, और सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक में निर्यास आता है, ऑरेस्टोबुलस आता था, मेगास्थनीज आता है, जिनके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देते हैं। विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज का नाम जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, इनकी पुस्तक जो इंडिका है, इंडिका में मौर्य साम्राज्य का उल्लेख है। मौर्य साम्राज्य को इन्होंने 7 भागों में मतलब क्या किया था, विभाजित किया था, ठीक है। किसका राजदूत था ये, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे आगे, ठीक है। इंडिका के लेखक कौन है, तो इंडिका का लेखक क्या है, तो आपको मेगास्थनीज से पता ही आपको, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बताया पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन जो था 30 सदस्यों की मतलब एक समिति के द्वारा थी, ठीक है। इनकी कुल संख्या मतलब 6 होती थी, प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। समिति का कार्य बिक्री कर वसूलना था, बिक्री कर मूल्य का 10वें भाग के रूप में वसूला जाता था, करों की चोरी करने वालों को मृत्यु दंड तक दिया जाता था, ठीक है। तो बिक्री कर मतलब कितना होता था, 1/10 होता था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, 1/10 मतलब 10%, ठीक है। मेगास्थनीज का दूत का नाम क्या था, मेगास्थनीज दूत था, किसका दूत था, तो सेल्यूकस निकेटर का दूत था, पहले हेलो भी बात कर चुके हैं, ठीक है। मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया था, यूनानी राजदूत था जिसने पूर्व किया, ठीक है, अरकोसिया के क्षत्रप, ठीक है, इससे पहले वो कहां पे था, अराकोसिया के क्षत्रप के राज दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने से पहले ये एम्बेसडर के रूप में कहां पे काम कर चुका था, तो आप देखोगे, ठीक है, अरकोसिया नामक एक जगह था जहां पे सेल्यूकस निकेटर का राजदूत के रूप में ये मतलब काम कर चुका था, ठीक है। इंडिका जो है इसकी मतलब प्रमुख कृति है, पता ही है आपको, ठीक है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, ठीक है, अंतिम मौर्य सम्राट की बात करेंगे तो अंतिम मौर्य सम्राट कौन हो जाएगा, तो अंतिम मौर्य सम्राट की बात करेंगे तो आप लोग बृहद्रथ जानते हैं क्या हो जाएगा, बृहद्रथ हो जाएगा, जो कि अंतिम मौर्य सम्राट हो जाएगा, ठीक है। और इसकी हत्या किसके द्वारा, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दी गई, और शुंग वंश की नींव रखी गई। शुंग वंश जो था किस तरह का वंश था, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है, किस वंश का वंश था, शुंग वंश, तो ब्राह्मण वंश था, कैसा वंश था, ब्राह्मण वंश था, ठीक है। किस अभिलेख में, ठीक है, रुद्रावन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां आपको देखने को मिलती है, जूनागढ़ जूनागढ़ कहाँ से मिलते हैं, जूनागढ़ रुद्रामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है बोला जाता है संस्कृत भाषा का शुद्धतम अभिलेख है, क्या है, संस्कृत संस्कृत भाषा का भाषा का शुद्धतम अभिलेख है। अगर पूछा जाए शुद्धतम किसमें लिखा गया, तो ब्राह्मी में लिखा गया, ठीक है, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया, लेकिन ये विशुद्ध संस्कृत भाषा था, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया, ठीक है, ध्यान में। इसमें रुद्रामन की वंशावली, विजय शासन, व्यक्तित्व आदि सुंदर प्रकाश डाला गया। यह अभिलेख अब तक प्राप्त सभी अभिलेखों में सर्वाधिक क्या है, प्राचीन है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे आपको देखोगे तो इस यहाँ पे आप लोग स्कंद गुप्त के 2 लिपि खोदे हुए, ठीक है, तो यहाँ पे केवल रुद्रामन का नहीं, ठीक है, स्कंद गुप्त के बारे में बात करेंगे तो स्कंद गुप्त के भी आपको यहाँ पे 2 अभिलेख आपको यहाँ पे देखने को मिल, 2 लेख आपको स्कंद गुप्त के भी आपको देखने को मिलते। कहाँ से मिलता है, गुजरात से मिलता है। बीपीएससी का दिमाग खराब होगा, पूछेगा जगह बताओ, तो कठियावाड़ी जिला, कौन सा है, कठियावाड़ा जिला, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था, तो भारी झुकाव था खारवेल का था, ठीक है, ओडिशा का राजा था ये, कहाँ का राजा था, ओडिशा का राजा। किस कलिंग वंश का था, कलिंग चेदी वंश का था, किसका नाम वंश था, तो चेदी वंश से आता था, ठीक है, माइक की कोहरा बंद करके रखिए, ठीक है, चेदी वंश से आता था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। भुवनेश्वर से 3 मील दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुफा से उसका बना एक तिथि अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल के इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। हाथी गुफा अभिलेख प्राकृत भाषा में, किस भाषा में है, तो प्राकृत भाषा में है आपका हाथी गुफा अभिलेख, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे चलें, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे है, तो पता ही चला अभी जस्ट मैंने बताया, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। इसका आंसर कलिंग नरेश खारवेल का संबंध बिल था महामेघवाहन वंश से, चेदी वंश से, ठीक है, सातवाहन वंश से, रक्तभोजक वंश से, ई ऑप्शन क्यों लिया है इसका, ठीक है। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवान नामक व्यक्ति था, तो इस वंश का नाम महामेघवान वंश भी पड़ गया, अच्छा, ठीक है, मतलब इसका आंसर आपका चेदी भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि संस्थापक जो था महामेघवान था, ठीक है, तो दोनों इसका आंसर लेता है, इसलिए ऑप्शन बीपीएससी ने ई लिख रखा है, ठीक है। इस वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक जो खारवेल था, खारवेल से संबंधित एक अभिलेख है, इसको हम लोग हाथी गुफा अभिलेख कहते हैं। हाथी गुफा अभिलेख किस भाषा में है, तो आप बताओगे प्राकृत में है, ठीक है। चलिए, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, प्राचीन भारत समुद्रगुप्त को कहते हैं, ध्रुपद किसने कहा था, तो बीएस स्मिथ ने कहा था, ठीक है। बीएस स्मिथ की एक पुस्तक थी जिसका नाम था अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, क्या नाम था पुस्तक का, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक का नाम था। वहां पे मतलब समुद्रगुप्त के वीरता से के विजय पर मुग्ध होकर उसने भारत के नेपोलियन की संज्ञा दे दी, ठीक है, चंद्रगुप्त के विजय के
वर्णन कहाँ से मिले, प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। अब प्रयाग प्रशस्ति क्या है, एक तरह का प्रशंसा पत्र है जिसके बारे इसकी रचना क्या है, किसने किया है, तो चंडू क्या नाम है इसके दरबारी कवि ने किया, किसने किया है, तो हरिसेन, इसके दरबारी कवि हरिसेन। हरिसेन के द्वारा इसकी रचना की गई है। सो आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, तो आगे चलेंगे तो जो प्रश्न आएगा उस पर ज्यादा ध्यान बढ़ाते हैं, ठीक है। 1 मिनट। देखिए गुप्त सम्राट, उसने हूनों को पराजित किया, तो हूनों को पराजित करने वाला स्कंद गुप्त है, ठीक है। ये मतलब क्या था, गुप्त हूनों को पराजित किया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब इन्होंने यहाँ से हून को लेकर प्रश्न कई बार पूछा है एग्जाम में, पिछले बीपीएससी में भी पूछा था, इसलिए थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, जरा इसको सुन लीजिएगा। हूनों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त शासन स्कंद गुप्त के शासनकाल में 455 ईसा पूर्व में हुआ, ठीक है, तब हुआ था। स्कंद गुप्त के हाथों ये बुरी तरह से पराजित हुए, ठीक है। यूएस राय के अनुसार इस हून आक्रमण का नेता कौन था, खुशनिवास था, ठीक है। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई तत्कालीन प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से इसने गुप्त राजवंश की पतन की गति को तेज कर दिया। स्कंद गुप्त की मृत्यु के 5वीं शताब्दी के अंत तथा 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम में कई क्षेत्रों में हूनों ने कब्जा कर लिया, ठीक है। आप देखेंगे किस प्रकार के भूमि को अपराहत कहा जाता था, तो बिना जोती हुई जंगली भूमि, ठीक है, बिना जोती हुई जंगली भूमि को क्या बोलते थे, अपराहत कहते थे, क्या बोलते थे, अपराहत कहते थे। इसको आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। मतलब बिना जोती हुई भूमि, वह भूमि जिस पर खेती ना की गई होगी, ठीक है, अपराहत कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखा। ये शब्द जो है अपराहत शब्द जो है किस शासन काल से है, ध्यान में रखिएगा, गुप्तकालीन शब्द है। कैसे शब्द है, तो गुप्तकालीन शब्द है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चीनी यात्री संगुन भारत कब आया था, तो संगुन का यात्रा काल है जो 515 से लेकर 520, बहुत जगह पे 518 दिया रहता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो 518, लेकिन यहाँ पे कोई अवशासन नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ये लिया, हाँ 518 यहाँ पर भी दिया हुआ है, ठीक है। 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की मतलब प्रक्रिया इन्हें मतलब क्या किया था, इकट्ठा किया था, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखेंगे आगे क्या है, हर्षवर्धन के शासन में किस चीनी ने भारत की यात्रा की, ठीक है, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेन सोंग जो था भारत की यात्रा किया था। ह्वेन सोंग की बात करेंगे ना, तो ये मतलब इसकी यात्रा वृतांत जो है ना 600 भारतवर्ष के लिए लगभग, ठीक है, 629 ईस्वी में प्रस्थान किया, अपनी पूरी यात्रा वृतांत, ठीक है, उसने अपने पुस्तक में जिसका नाम है सीयू की, और सीयू की में केवल भारत के ही बारे में नहीं 138 देशों के बारे में जानकारी मिलती है। कितने देशों के बारे में, 138 देशों के बारे में सीयू की में आपको जो है क्या मिल जाती है, जानकारी मिल जाती है, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है, 138 देशों का। ये केवल हर्षवर्धन के शासनकाल में नहीं आया था, यह पुलकेसिन द्वितीय के भी राज्य में चला जाता है, ठीक है, पुलकेसिन द्वितीय के राज्य के बाद नरसिंह वर्मन फर्स्ट के भी राज्य में चला जाता है, ठीक है, तो चालुक्य के भी राज्य में गया, बर्मन डायनेस्टी में भी गया, मतलब बहुत जगह ही घुमा था। तो ये भी प्रश्न कभी अगर पूछेगा तो बर्मन डायनेस्टी में भी गया था, चालुक्य के पास भी गया था, हर्षवर्धन के में भी तो था, ठीक है। हर्षवर्धन का वंश का नाम क्या था, पुष्यभूति वंश था, कौन था वंश था, पुष्यभूति, ठीक है, ध्यान, वर्धन डायनेस्टी भी बोलते हैं, पुष्यभूति भी बोलते हैं, ठीक है, तो इसका फाउंडर ही पुष्यभूति था। कलहन का पुस्तक का नाम क्या है, राष्ट्ररंगनी है, ठीक है, क्या नाम है इसका, राष्ट्ररंगनी है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सरंगनी और कलहन जो था किसके, जयसिंह के कश्मीर शासनकाल का में रहता है, शासक। ठीक है। यहाँ पे क्या मिलता है, लगभग 1200 से लेके, ठीक है, 1600 वर्षों तक का इतिहास आपको देखने को मिलता है, 400 वर्षों का इतिहास आपको इस पुस्तक में आपको देखना है। रसरंगनी का अर्थ क्या होता है, रसरंगनी का अर्थ होता है राजाओं की कहानी, क्या होता है रसरंगनी का अर्थ, राजाओं की कहानी, मतलब क्या होता है, रसरंगनी का मतलब क्या होता है, अर्थ होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करें पुस्तक अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी, ठीक है, किसने की थी, तो ध्यान में कौटिल्य, रखना है, अर्थशास्त्र किसना क्या नाम है, कौटिल्य ने की थी, ठीक है। पुराण महर्षि वेद व्यास के द्वारा, सॉरी पुराणों की रचना की बात करेंगे, किसने की थी, क्या बोलते हैं उनको, नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है। आप देखें उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था, तो उदंतपुरी तो जानते हैं आपको बिहार में देखने को मिलेगा, लेकिन बीपीएससी पूछेगा किस जिला में देखने को मिलेगा उदंतपुरी, ठीक है, उदंतपुरी आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, 1 मिनट, उदंतपुरी सर ये नालंदा होगा क्या, वैशाली। आवाज नहीं आ रही है आपको, बोल रहे हैं बार बार कट के आने के लिए, उदनपुरी की बात करेंगे तो आपको ये यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है, कहाँ पे मिलता है बिहार उदनपुरी, शरीफ है क्या सर, बिहार शरीफ है क्या सर, नहीं
बिहार शरीफ। बिहार शरीफ में, कहाँ पे? बिहार शरीफ में पड़ता है, ठीक है, वो याद नहीं आ रहा, ठीक है, बिहार शरीफ में, विक्रमशिला भागलपुर में, ठीक है। कर्णाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्णाट वंश का संस्थापक नाने देव था, बिहार में रूल करते थे, मिथिला क्षेत्र में था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, कौन क्षेत्र में था? मिथिला के क्षेत्र में रूल करते थे, ठीक है, ध्यान रखें। मिथिला का स्वर्ण युग कहते हैं, कर्णाट वंश के शासन को मिथिला के क्या का स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है, ये भी आपको क्या करना है, ध्यान में आप इसको रख सकते हैं अगर इच्छा हो तो। जैसे गुप्ता पीरियड को क्या बोला जाता है, ठीक है, गोल्डन पीरियड बोला जाता है ना, उसी तरह गोल्डन मिथिला का पीरियड, स्वर्ण युग कहा जाता है, स्वर्णयुग, किसके शासनकाल को? स्वर्णयुग, कर्णाट वंश के शासनकाल को, ठीक है। कर्णाट वंश का अंतिम शासक की बात करेंगे तो हरि सिंह था, ठीक है, तो पहला शासक नानेदेव, ठीक है, और अंतिम शासक जो था हरि सिंह था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये जो था कला और मतलब साहित्य के महान संरक्षक भी थे, ठीक है, इन्होंने एक व्यवस्था शुरू की थी जिसको बोलते पंजी व्यवस्था, हम अपना बिहार का जब पढ़ा रहे थे इतिहास तो उसमें करा दिए थे। किस काल में अछूत की अवधारणा अस्पष्ट रूप से, ठीक है, तो इसमें आप ना उत्तर वैदिक मत मानिएगा, ठीक है, धर्मशास्त्र के युग में हुआ था, शास्त्र। उत्तर वैदिक के बाद का समय जो आएगा, पहले ऋग वैदिक, जिसकी सभ्यता, जिस इतिहास, जिसकी सारी जानकारी हमें ऋग वेद के आधार पर मिलेगी उसको ऋग वैदिक काल बोलते हैं। उत्तर वैदिक में तीन ग्रंथों की रचना होती है ना, ऋग्वेद को छोड़कर सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जिसमें अथर्ववेद की रचना सबसे बाद में होती है, ठीक है, धर्मशास्त्रों के समय में। देखिए यहाँ पे जो बात करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको आ गया था, ठीक है, वर्ण व्यवस्था तो प्रचलन में आ गया था, लेकिन स्पष्ट रूप से अछूत की अवधारणा जो प्रस्तुत हुई थी धर्मशास्त्रों के काल में हुआ था, ठीक है। आप देखेंगे दसवां मंडल जो है ऋग्वेद के, वहां पर ही मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के बारे में जानकारी दे दिया गया था, लेकिन अछूत की अवधारणा जो स्पष्ट रूप से धर्मशास्त्रों के काल में ही हुआ था, इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब चलेंगे 54 नंबर प्रश्न। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, ठीक है, तो कश्मीर में आयोजित की गई थी, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक कुंडल है। कुंडल सभी वन लोग रुकिएगा, कुंडल वन 50 प्रश्न और भी है, आवाज नहीं आ रही जो भी बोल रहा है, ठीक है, सभी लोग रुकिएगा, बाद में थोड़ा आप लोग से बात करेंगे, ठीक है, 50 प्रश्न कर लेते हैं, ज्यादा नहीं है, ठीक है। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में हुई थी, कश्मीर में हुआ था, ये चौथा नंबर का था, किसका नंबर का? चौथा नंबर का था, ठीक है, कुंडल वन में हुआ था, कश्मीर में हुआ था, इसकी अध्यक्षता बसुमित्र ने की थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तीन जो बौद्ध संगति जो था वो आपको, पहला वाला हुआ था राजगीर में, दूसरा वाला वैशाली में, तीसरा वाला जो होता पाटलिपुत्र में, ठीक है। राजगृह में जो हुआ था जिसमें समय शासक जो था अजात शत्रु था, हर एक वंश का था, वैशाली में जो हुआ था उस समय शासक जो था क्या नाम था उसका, काला शोक, काला शोक, दशोक, तीसरा काला वैशाली शोक, वाला में बात करेंगे इस नाग वंश का शासक था, क्या नाम था, शिशुनाग, नाम नहीं याद आ रहा, ठीक है। तीसरा वाला काला जो हुआ शोक था ही जो था कि सर। यहाँ पे हुआ सर था, आजाद, आजाद शत्रु, काला शोक, अशोक और फिर कनिष्का। काला शोक ही था क्या सर वो, वैशाली। काला शोक इसी की ही था आवाज जो था नहीं आ रही मेरे को, नंबर मेरी आवाज आप लोग तक जा रही है क्या? में। जी सर, आपकी आवाज बिल्कुल आ जी रही है, जी आपकी आवाज आ रही है, हेलो, जी सर आपकी आ आवाज आ रही रही है, है सर। सर का आवाज आ रहा है, बाकी सब का आवाज नहीं। अभी अभी आवाज बोली, सर मेरी के आवाज पास जा में। रही थी आप तक क्या? जी सर, यस, मेरी बिल्कुल आवाज, अच्छी अच्छी तरह से आवाज आ रही है आपकी आप सर। लोग का आवाज मेरे तक तक नहीं आ रही है क्या? पर अभी आना शुरू हुआ, ठीक है, ओ ठीक है सर। क्या पता आवाज ही नहीं दूसरा आ रही काला थी, शोक ही था ठीक। सर। हाँ, काला अशोक था, नागवंश का था, ठीक है, वो मुझे नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है। सर अब तीसरा वाला, उसको सीक्वेंस में देखेंगे सर, अजात हाँ शत्रु, काला शोक, अशोक और कनिष्का, तीन बिल्कुल, ठीक है, तिरासी कनिष्ठा दो जो था फोर्थ तिरासी वाला, तीन ठीक है, हाँ तिरासी हाँ ठीक दो है, और एक तिरासी दो ईसा, सौ छप्पन और प्रथम ईसा पूर्व। प्रथम ईसा, ईसा के प्रथम शताब्दी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बिल्कुल आप चलेंगे क्या था, बिल्कुल ठीक है, बोर्ड ये का आपको, था, बोर्ड का आप ज्यादा डिस्कस भी नहीं करना है क्योंकि वीडियो यूट्यूब पे जाएगी, ठीक है, बाद में डिस्कस करते हैं इस पे, ठीक है। अब बात करेंगे प्रथम वाला जो हुआ था ना, वो राजगीर के सप्तरणी गुफा में हुआ था, जिसमें शासक जो था अजातशत्रु थी, इसके अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। दूसरा वाला के काला अशोक के शासनकाल में हुआ था, जो कि बुद्ध के मरने के बाद 100 वर्षों के बाद हुआ था, इसके अध्यक्ष जो थे सभा कमेट थे। तीसरा वाला जो था तीसरा पूछा था मोगलीपुर 30 हो जाएगा, जो कि अशोक के शासनकाल में कहाँ पे हुआ था, ठीक है। तीसरा वाला जो था कहाँ पे हुआ था, तीसरा वाला पाटलिपुत्र में हुआ था। चौथा वाला की बात करेंगे, ठीक है, चौथा वाला की बात करेंगे तो कश्मीर में हुआ था, कुंडल वन कश्मीर, तो तीन बिहार में हुआ था, एक बिहार से बाहर हुआ था, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम बौद्ध संगीति के महाकश्यप थे, पता ही है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण का पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, पहली बार राजगिरी में हुई थी, ठीक है, सप्तकरणी गुफा में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बुद्ध के जीवन का मतलब मिलान करना है, ठीक है,
तो बात करें कैसे मिलान करें, जन्म कहाँ हुआ, जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था, ज्ञान प्राप्ति कहाँ थी, ज्ञान प्राप्ति बुद्ध गया में हुआ था, प्रथम प्रवचन इन्होंने सारनाथ में दिया था, निधन कहाँ पे हो गया तो कुशीनगर में हो गया, ठीक है ध्यान में रखें। 463 ईस्वी में जन्म हुआ था, 483 में सॉरी 563 में जन्म हुआ था, 483 में ना इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है ध्यान में रखेंगे। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ध्यान में रखना है, ठीक है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोध गया महाबोधि मंदिर बनाया जहां, ठीक है क्या क्यों बनाया गया वहां पे, तो बोध गया में मंदिर इसलिए बनाया गया क्योंकि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति वहीं पे हुई थी, ठीक है ध्यान में आपको ये रखना है। ठीक है आगे चलेंगे तो कुछ प्रश्न और भी है, कुछ प्रश्न को देख लेते हैं, तो कुछ प्रश्न को देखते हैं तो आपको ध्यान में रखना है, गौतम बुद्ध को एक देवता के स्थान पर किस राजा के युग में प्राप्त हुआ, ठीक है तो कनिष्क के राज में जब जाएं, कनिष्क के समय की बात करें तो देवता का स्थान प्राप्त हो जाता है, क्योंकि बौद्धिज्म की बात करें, स्क्रीन दिख रहा है बौद्धिज्म की बात जी करेंगे तो बौद्धिज्म में मतलब क्या कहा गया था, मतलब मूर्ति बनाने को सख्त मना कहा गया था, ठीक है लेकिन बाद में आप देखेंगे तो दो शाखा निकल कर आता है कनिष्क के समय में, एक जो शाखा जो था उसको हीनयान बोलते हैं, ठीक है ये जो थे परिवर्तनवादी नहीं थे, बुद्ध के मूल सिद्धांतों में विश्वास करते थे, दूसरा शाखा जो विकसित महायान हो जाता है ये परिवर्तनवादी थे, इन्होंने बुद्ध का मूर्ति बनाकर मतलब पूजना शुरू कर दिया, ठीक है तब जाके बुद्ध को मतलब देवता का मतलब क्या होता दर्जा दे दिया जाता है, क्योंकि मूर्ति का पूजा होना अलग बात थी बौद्धिज्म को लेकर, ठीक है तो महायान वाले लोग जो थे कि बुद्ध को मतलब देवता की देवता मानकर मतलब इनका पूजा करना शुरू कर दी, इन्होंने मूर्ति पूजा मुख्य रूप से मतलब क्या की प्रारंभ कर दी कश्मीर के शासनकाल में, सॉरी कनिष्क के शासनकाल में, चतुर्थ संगीति भी हुई थी, ठीक है इसी में हीनयान महायान की दो स्पष्ट अवधारणा भी प्रस्तुत की गई थी, ठीक है ईसा की पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व का प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था तो वैशाली में जानते हैं, जहां से आपको क्या मिलते हैं वहां पे आपको लिच्छवी भी मिलता, कि लिच्छवी वहीं पे आपको मिलता जो कि सबसे शक्तिशाली और सबसे प्रसिद्ध था, 8 राज्यों का एक संघ था, ठीक है क्या था जो वैशाली जो था ना 8 राज्यों का एक संघ था, जिसमें से क्या लिच्छवी भी थी जो कि सबसे प्रसिद्ध भी थी, ठीक है आप देखेंगे 16 महाजनपदों की उपलब्धता एक अंगुत्तर निकाय में हो जाएगा, बौद्धिज्म का भी लिया है क्या नहीं लिया था, केवल अंगुत्तर निकाय, अगर बौद्धिज्म में बात करेंगे तो बौद्धिज्म में भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, सॉरी बौद्धिज्म का अंगुत्तर निकाय है, जैनिज्म में भगवती सूत्र है, ठीक है ध्यान में रखना है। अगर मान लें इससे भी अगर मन न भरेगा तो कुछ अगर पूछ दे एक्स्ट्रा, तो कश्मीर का जो राष्ट्रंगनी जो है ना उसमें भी मतलब महाजनपदों के बारे में उल्लेख दिया गया है, जो कि बहुत कम पुस्तकों में देखने को मिलता है, मैंने आपको बता दिया कहीं अगर पूछे तो ध्यान में रखेंगे, ठीक है उसके बाद बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग था, किस युग में हुआ था, गुप्ता पीरियड में हुआ था, गुप्ता को मतलब गोल्डन पीरियड बोलते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त, ठीक है यहाँ पे किसने कर कुमार गुप्त ने करवाया था, किसने करवाया था कुमार गुप्त ने करवाया था, ठीक है ध्यान में रखेंगे, ठीक है अब नालंदा बौद्ध विहार को दान दे दिया था, ठीक है नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया, ठीक है ध्यान में रखेंगे, बाद में बुद्ध गुप्त तथागत गुप्त तथा बलादित्य गुप्त नामक गुप्त शासकों ने इस बिहार को मतलब क्या किए दान दिए थे, ठीक है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था, तो किस लिए प्रसिद्ध था, बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए जो था नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था, इसलिए विदेशी लोग भी यहाँ पे आते थे अध्ययन करने के लिए, मुख्य रूप से चीनी यात्री ह्वेन सोंग की बात करेंगे तो वो भी यहाँ पे अध्ययन करने ही मतलब क्या हुआ था आया था, ठीक है आप देखेंगे मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई, ठीक है तो सैनिकों के सुगमता से भर्ती करने का मनसब किस तरीके से काम करे, मैंने मायने आपको मनसब बना दिया है, बोले बोला भाई साहब आप मनसब बन जाओ, ठीक है आप शक्तिशाली, आप बोले मेरे पास 10,000 का सेना है, हम बोलेंगे आप आज से आप मेरे मनसब हुए, ठीक है तो बोलोगे 10,000 का सेना इसको हम खर्चा कैसे चलाएंगे, तो बोलेगे आपके पास सेना है मैं राज्य का राजा हूं तो मेरे पास क्या है जमीन है, हम बोलेंगे आज से यहां तक का वहां तक का जमीन जो हुआ ना सारा जमीन आपका हो गया, आप क्या करोगे जमीन से टैक्स वसूलोगे, ठीक है टैक्स वसूलने के बाद क्या करोगे अपने आर्मी का खर्च उठाओगे और आप भी क्या करोगे आप भी मतलब क्या करोगे उस खर्च को अपने पास रखोगे, ठीक है लेकिन जब भी हमें मतलब जब भी हमें सेना की जरूरत पड़ेगी तो आप हमको क्या करेंगे सेना का सपोर्ट करेंगे, सेना की सारी जिम्मेवारी आपकी, हम मुक्त है उसके बदले में हम क्या दे रहे हैं तो आपको केवल हम टैक्स वसूलने का अधिकार दे रहे हैं, जिससे जो पैसा जो हो रहा है तो आप सेना का प्रशासन भी चला रहे हो और हमें भी अपना भी काम चला रहे हो, जब हमें आवश्यकता पड़ती है तो आप हमें क्या देते हो सेना देते हैं, ठीक है इसमें भी वरीयता क्रम होती थी, इस तरीके से मनसबदारी व्यवस्था काम करती, यूरोप में जाएंगे तो आपको यूरोप में सामंतवादी व्यवस्था आपको देखने को मिलती है, ठीक है दक्षिण भारत में भी था नॉर्थ इंडिया में था, जब हिस्ट्री जब पढ़ाएंगे अच्छे से तो बताएंगे कभी, ठीक है अभी आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है इसको ध्यान में देखना है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक कथन है दूसरा क्या है दूसरा कारण आर दिया गया, दोनों को ध्यान पूर्वक पढ़े, कथन एक की बात करेंगे 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविद्यालय का पतन हो गया था,
ठीक है। दूसरा क्या, महाबिहार को राजकीय प्रश्न मिलना बंद हो गया था, कारण क्या है? तो देखेंगे, कथन एक और आर सही है, परंतु आर और ए की सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। पतन ये मिलना तो बंद हो गया, लेकिन पतन होने के कारण ये नहीं था से राजकीय प्रश्न मिलना मतलब वो हो गया था, ठीक है। कारण क्या था पतन होकर? तो मुस्लिम आक्रमणकारी, ठीक है। इसलिए अंत नहीं हुआ क्योंकि राजकीय प्रश्रय मिलना मतलब समाप्त हो गया था। मेनली रीजन क्या था पतन होने का? था मुस्लिम आक्रमणकारी जो था, ठीक है, जो कि बख्तियार खिलजी का जो आक्रमण जो हुआ था, इसके शासन इल्तुतमिश के शासनकाल में, वो उसका पतन का मतलब क्या था? तो मुख्य कारण था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे प्रथम प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ, ठीक है। तो इससे बार बार प्रश्न पूछता है, ईसा पूर्व का छठी शताब्दी, ठीक है। तो ईसा पूर्व के छठी शताब्दी में देखेंगे तो प्रथम मतलब क्या होता था? प्रथम मतलब आपको देखेंगे मगध राज्य का मतलब आपको उल्लेख आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये प्रश्न को आप क्या करेंगे, देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है, पिछला बार बीपीएससी प्रश्न पूछा भी था, ठीक है। मगध की राजधानी कौन सी थी? तो देखेंगे पाटलिपुत्र भी हो जाएगा, गिरिब्रुज भी हो जाएगा, दोनों को दोनों हो जाएगा, ठीक है। एक समय के लिए वैशाली भी बना था नागवंश के शासनकाल के समय में, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। उदयन जो था पाटलिपुत्र ले गया था, सुरु राजधानी जो था राजगीर तो ऑलरेडी था ही, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। किसने? नागवंश का कोई एक शासक था, उसने वैशाली भी ले गया था, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना, इसलिए ऑप्शन इसका कुछ नहीं हो सकता है। अगर इसमें प्रथम राजधानी अगर पूछ देता तो राजगीर होता, ठीक है, लेकिन इसमें प्रथम वगैरह नहीं लगा तो ये प्रश्न क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, प्राचीन महाजन पर मगध की प्रथम राजधानी कौन थी, ये हुआ ना बात, ठीक है। तो प्रथम राजधानी की अगर बात करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई ले लेगा, क्योंकि प्रथम राजधानी का कोई मतलब कॉन्सेप्ट नहीं, लेकिन ना तो पाटलिपुत्र प्रथम राजधानी नहीं थी, वैशाली भी नहीं थी, यहाँ पे क्या होना चाहिए? राजगीर होना चाहिए, जबकि राजगृह जो है ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, जो कि 66वीं बीपीएससी में पूछा है। नंद वंश के पश्चात मगध पे किस वंश है? नंद वंश के पास मगध पे मौर्य वंश का शासन आएगा, क्योंकि नंद वंश का शासक जो था कौन था? घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य हरा देगा। बिल्कुल, चंद्रगुप्त मौर्य को मतलब क्या करेगा? पराजित कर देगा, और यहाँ पे मौर्य वंश की नींव रखी जाएगी। मौर्य वंश के मतलब बात किस वंश का आएगा? तो शुंग वंश का आएगा। किस वंश का आएगा? शुंग वंश का आएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। जिनके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णित हुआ है, वो कौन है? ठीक है, विशाखादत्त, ठीक है। विशाखादत्त की ग्रंथ मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल का बताया गया है, ठीक है, बिसल और मतलब कुलहीन भी कहा गया, ठीक है। तो बहुत निंदा की गई है, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक है, बिसल कहा गया या फिर कुलहीन कहा गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर का महान समकालीन था? ठीक है, घनानंद जो था सिकंदर का मतलब क्या था? समकालीन था। यूनानी लेखकों ने उसे क्या अर्गमीज कहा? क्या कहा है? अग्रमीज कहा है, ठीक है। और जोनोफोन की बात करने को, उसे बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति बताया, मतलब बहुत ज्यादा धनी व्यक्ति बताया, ठीक है। अब भद्रशाल का मतलब सेनापति भी बताया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए आप चलेंगे आगे, ठीक है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल जो था किस चीज का बना हुआ था? ठीक है, ठीक है, पटना के कुम्हरारा में आपको दिख जाएगा, महल जो था मुख्य रूप से लकड़ी का बना हुआ था, ठीक है। किसका बना हुआ था? लकड़ी का बना हुआ था, ठीक है, ध्यान में। इसे प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? ठीक है, स्पूनर महोदय को जाता है। किसे जाता है? स्पूनर महोदय को जाता है, ठीक है। बुलंदीबाग से नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्हारा से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए, ठीक है। राजप्रसाद मतलब राजा का रहने का जो स्थान जो होता है, महल जो होता है, तो उसको राजप्रसाद कहते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, अष्टप्रधान, अष्टप्रधान का गठन किसने किया? तो अष्टप्रधान का शिवाजी ने कहा था, ठीक है। किसने किया था? अष्टप्रधान शिवाजी। अष्ट दिग्गज अगर पूछेगा तो अष्ट दिग्गज हो जाएगा, दक्षिण भारत में आप चले जाए, वहां पे देखेंगे कृष्णदेव राय का राज, कृष्णदेव राय का जो राज्य जो था उसको क्या बोलते हैं? अष्ट दिग्गज कहते हैं, ठीक है। नवरत्न अगर पूछेगा तो नवरत्न आप क्या बनाएंगे? नवरत्न बनाएंगे गुप्ता एम्पायर, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो था नवरत्न था, ठीक है। फिर अगर मेडिवल इंडिया में आएंगे तो अकबर के शासनकाल में भी नवरत्न का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। भारत सरकार इसको अभी नवरत्न कंपनियां के तहत मतलब शामिल करती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने दक्कन का विजय प्राप्त की? दक्कन का विजय चंद्रगुप्त मौर्य को श्रेय जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बिंदुसार ने किसी भी राज्यों को नहीं जीता था, केवल 18 राज्यों का विजेता बताया। किसने बताया? तो तिब्बती लेखक तारानाथ ने इसे 18 राज्यों का विजेता बताया। हालांकि ज्यादातर किताब बिंदुसार को एक मतलब क्या बोलते हैं, एडमिस्ट रूलर मतलब मानते हैं, जो कि अपना ज्यादा वो सब लड़ाई झगड़ा करने का मतलब कोई काम नहीं किया, ठीक है। तो वो चंद्रगुप्त मौर्य का ही जीता हुआ था सारा, तो दक्षिण भारत के विजय जो था चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही हुआ था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यहाँ तक अफगानिस्तान वगैरह का क्षेत्र, ईरान तक मतलब इनका, ठीक है, कौन पर्वत बोलते हैं, हिंदुकुश पर्वत तक मतलब इनका राज्य हुआ करता था, ठीक है। एक छत्र भारत की जो कल्पना जो की जाती है, अखंड भारत का, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के राज की कल्पना की जाती है। अभिलेख जिससे प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत में भी था, देखिए आ ही गया प्रश्न जो बता रहे हैं, तो कहाँ से होगा? इधर में, यहाँ पे अभिलेख, क्या नाम था यहाँ पे? गिरनार, रुद्रामन, रुद्रामन का जूनागढ़ अभिलेख, हाँ ठीक है, रुद्रामन का जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है पश्चिम भारत, वहां पे मतलब झील बनाने का, ठीक है, झील 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 कहाँ है, हाँ
ठीक है। सुदर्शन झील, अशोक ने सुदर्शन झील, यूनानी गवर्नर तुपस्मे से जलाशय के साथ बहुत ही नहरें बनवाई तथा इस प्राप्त से इससे प्राप्त ठीक है अनंत तथा सौराष्ट्र कहा गया। ठीक है, तो इस क्षेत्र का मतलब क्या कहा गया, ठीक है इसको पढ़ दे रहा हूँ, सोल्यूशन जरा समझ लीजिए। रुद्रामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह पता होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र जी प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त से यहाँ पे सुदर्शन झील बनवाई थी। बाद में अशोक ने यूनानी गवर्नर तुशास्व से इस जलाशय में बहुत सी नहरें भी बनवाई थी। इस प्रांत को ठीक है अनर्त तथा सौराष्ट्र कहा गया। इससे पश्चिम भारत में चंद्रगुप्त मौर्य का आधिपत्य का प्रमाण भी आपको मिलता है। जाहिर सी बात, अगर आप झील बना रहे हो ठीक है, वहां पे सड़कें बना रहे हो, कुछ भी कहीं ना कहीं से आपका प्रशासन तो वहां तक तो था। ठीक है, निम्न से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ठीक है, तो श्रीलंका जो था अशोक के साम्राज्य में कभी भी सम्मिलित नहीं था। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। आगे चलकर चोला इंपायर पर हो गए तो राजराजा चोला हो जाएगा, या फिर राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका का अधिकार कर लिया था। ठीक है, तामपर्णी शब्द का प्रयोग, त्रामपर्णी शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे श्रीलंका के लिए। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अशोक का अधिकार चोल, पांडे, सती पुत्र, केरल पुत्र एवं तामपर्णी को छोड़कर सर्वत्र था। ठीक है, ध्यान इन सभी चीजों में। केरल पुत्र कहाँ के बोलते थे? चेर शासकों के राज्य को केरल पुत्र बोलते थे। क्या बोलते थे? चेर का जो राज्य जो था उसको केरल पुत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, अशोक के शासन काल बौद्ध सभा ठीक है किस नगर में आयोजित की गई थी? ठीक है, तो पाटलिपुत्र में। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। ठीक है, इसके रहता कि मोगलीपुत्र किसने की थी? तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अशोक के शिलालेख प्रयुक्त भाषा कौन कौन है? ठीक है, प्राकृत है, तो उसे प्राकृत है, ब्राह्मी है, अरबाइका है, ठीक है, खरोष्ठी है, सारो भाषाओं का प्रयोग किया गया, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार केवल प्राकृत ही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, जैसे अरमाइका की बात करेंगे, यूनानी की बात करेंगे, भारत से बाहर मिला, सर्वाधिक किसमें मिला? तो सर्वाधिक आपको किसमें मिला है? तो ब्राह्मी में मिला है। ठीक है, इसको आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। ठीक है, सर्वाधिक किसमें मिला है? तो सर्वाधिक आपको ब्राह्मी में मिला है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलेंगे, तो आगे का प्रश्न क्या है तो आप देखेंगे। निम्नलिखित निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? ठीक है, मतलब कहां से कौन सी दाहिने से बाईं? तो दाहिने से बारी खरोष्टी लिखते थे, बाईं से दाहिने ठीक किसे लिखते थे? ब्राह्मी को लिखते थे। ठीक है, ध्यान में मिनट। रखेंगे। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाहिने से बाईं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय मैसन प्रिंसेप और नॉरिस लेसन कनिंगम आदि को जाता है। ठीक है, तो ब्राह्मी को तो ज्यादा तो पॉपुलर नेम तो प्रिंसेप है, लेकिन मैसन ने भी पढ़ लिया था, नॉरिस और लेसन ने भी पढ़ा था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ये कहाँ की लिपि थी? तो उत्तर पश्चिम भारत की लिपि जो थी ब्राह्मी थी। ठीक है, अशोक ने धर्म का मूल संदेश क्या था? तो यहाँ पे मुख्यतः आप देखेंगे धर्म का संदेश का ऑप्शन ई लिया है। यहाँ पे आपका मुख्यतः जो लेता है ना, मतलब सहिष्णुता मतलब कायम करना। ठीक है, धार्मिक सहिष्णुता को मतलब कायम करना। ठीक है, धार्मिक सहनशीलता भी नीत हो जाएगा। ठीक है, शांति और हिंसा भी हो जाएगा, बड़ों का सम्मान करना भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बहुत सारा इसमें बड़ों का सम्मान भी है, शांति और अहिंसा भी है। ठीक है, राजा के प्रति वफादारी नहीं था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे सारे के सारे फैक्ट जो थे इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ठीक है, जानवर की बलि की निंदा भी की गई थी। ठीक है, जानवर के बलि की निंदा भी की गई। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे जो सार्वजनिक जो मतलब जो बहुत सारी चीजें जो होती है। ठीक है, जैसे किसे बहुत सारा आप नहीं बोलते हैं जो सार्वजनिक कार्यक्रम करवाए जाते हैं जिसमें बहुत सारे पैसे वगैरह की खर्च होती है, तो उन सबसे मना किया गया था। विवाह वगैरह के समय जो कार्यक्रम वगैरह जो होता है उसको बहुत ही सिंपल तरीके से करने की बात कही गई थी। ठीक है, डीपीएसपी डायरेक्टिव पॉलिस क्या बोलते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसके बहुत सारी चीजें जो है आपको अशोक के अभिलेख में आपको दिख जाएंगे। ठीक है, मैं कभी उसको मिला के आपको बता दूंगा क्या क्या मिल जाता है। ठीक है, केवल वह स्थान जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का मतलब सम्राट बताया। हालांकि उनके अशोक अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उनसे देवान पिए हैं। ठीक है, देवान पिए दसी, ठीक है, देवताओं का प्रिय, देखने में सुंदर। ठीक है, ध्यान में, देवान पिए मतलब देवताओं का मतलब क्या? प्रिय। ठीक है, देखने में मतलब क्या होता था? सुंदर उनको कहा गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए उसके बाद बात करते हैं। ठीक है,
ठीक है, सर सुनाई नहीं दे पा रहा, तीन बार हम आए गए, मेरी आवाज नहीं जा रही क्या? गड़बड़ हो रही है, बहुत कट, बहुत एक मिनट एक मिनट, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है, अभी आवाज जा रही है, हाँ आवाज जा रही है मेरी क्या? ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, ठीक आ रही है, बोल दिया कि बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मैंने क्या बताया, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पे प्रकाश डाला गया है, तो मुख्यतः आप देखेंगे तो उनके राजनीतिक नीति में मतलब डाली गई है, ठीक है, चलेंगे यहाँ पे। फिर नहीं आ रहे सर कुछ भी, नहीं आ रही है, क्या हो रहा है, आवाज ही नहीं आ रहा है सर, माइक गड़बड़ कर रही है, थोड़ा सा भी नहीं आ रहा। हेलो हेलो, आ रहा आपका आवाज आ रहा, सर का नहीं आ रहा। हाँ कुछ प्रॉब्लम है टेलीग्राम में, अभी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आवाज आ रही है क्या अभी? जी सर, सर चलिए, तो सप्तांश वही आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, माइक बंद कर लीजिए, ठीक है। मेगा इसने भारतीय समाज को कितनी श्रेणी में बांटा था, ये प्रश्न पहले मैंने सात समाज में बांटा था, पूछ देता कौन नहीं शामिल था, ठीक है, तो दार्शनिक शामिल था, कृषक शामिल था, पशुपालक शामिल था, कारीगर शामिल था, योद्धा शामिल था, निरीक्षक शामिल था एवं सभासद शामिल थे, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। तो इसमें पूछता ना तो इसका आंसर लेगा ना, इसमें गुलाम नहीं शामिल था, ठीक है, गुलाम रहता बहुत जगह, ठीक है, देख लीजिएगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पे दास प्रथा तो विद्वान थी, लेकिन गुलाम को दासों को शामिल नहीं किया गया, ठीक है। चलिए आप देखेंगे मौर्य समाज के सात वर्गों विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किसमें किया गया है, तो मेगा इसने इसके पुस्तक इंडिका में किया गया, ठीक है। पेरिफेरल सबल इरिटेंस किसने लिखी थी, किसी ने लिखी, ये इसके लेखक जो अज्ञात है, ठीक है। 60 ईस्वी पूर्व में अलेक्जेंड्रिया नामक अनाम नाविक ने लिखा, ठीक है, अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा था, इसमें भारत के साथ आयात निर्यात वाली वस्तुओं का उल्लेख किया गया है, ठीक है। वह सूरज जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन आपको देखने को इंडिका में देखने को मिलता है, ठीक है, प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वो किसमें, इंडिका में है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। हालांकि आंसर अर्थशास्त्र भी होना चाहिए, ठीक है, डाउटफुल क्वेश्चन है, ठीक है। चलेंगे 90 नंबर, आवाज आ रही है? जी सर आ रही है, बोल दिया कि जब डाउट होने लगा है, ठीक है। पाटलिपुत्र के किस शासक ने सर्वप्रथम राजधानी बनाई थी, किसने बनाया, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया, तो स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन व्यापक पैमाने भीम कैटफिशस ने किया था, ठीक है, हिंदी यूनानी शासक था भीम कैटफिशस, ठीक है। लेकिन पूछेगा सबसे ज्यादा सोना का मुद्रा किसने चलाया, तो सबसे ज्यादा सोना का मुद्रा किसने चलाया था, गुप्तों ने चलाया था, किसने चलाए थे, गुप्ते ने चलाए थे, ठीक है, ध्यान में रखें, किसने चलाए थे, गुप्ता ने चलाया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ठीक है, गुप्ता ने चलाया था, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जो थे गुप्ता ने चलाए थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, तो आगे चलेंगे तो आगे का कुछ प्रश्न देखते हैं। हाँ आप पूछेगा सबसे शुद्धतम किसने चलाया, तो क्या बताएंगे, किसने,
कुषाण वंश ने, बिल्कुल कुषाणों ने शुद्धतम चलाए थे। किसने चलाए थे? कुषाणों ने शुद्धतम चलाए थे। बहुत अच्छे बच्चे, ठीक है चलेंगे आगे चलेंगे। तो कला की गंधार शैली निम्न से किस समय में फली फूली? ठीक है तो कुषाणों के समय में फली थी। ठीक है कहाँ पे फली थी? कुषाणों। इस समय एक नया कला का विकास, मथुरा कला, ठीक है ध्यान। कनिष्क को इसका मतलब प्राप्त प्रोत्साहन दिया जाता है। गंधार कला यूनानी कला से प्रभावित थी, ठीक है ध्यान रखेंगे। ठीक है इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? आसान प्रश्न है, कनिष्क हो जाएगा, ठीक है ध्यान रखें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हिनयान महायान नामक दो अस्पष्ट संप्रदाय फोर्थ वाले में, ठीक है, जिसमें हिनयान जो थे परिवर्तनवादी थे, महायान सॉरी हिनयान परिवर्तनवादी नहीं थे, ठीक है महायान जो थे वो परिवर्तनवादी थे। और मतलब बुद्ध भगवान को देवता के रूप में पूजना किसने शुरू किया था? महायान वालों ने, ठीक है। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पे राज किया? तो किसने? कनवा ने, ठीक है। कनवा का फाउंडर कौन था? वासुदेव था, ठीक है ध्यान में रखेंगे। ठीक है राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा है? तो राजा खारवेल का नाम हाथी गुफा अभिलेख से जुड़ा है। एकमात्र स्रोत ऐसा है जो कि ठीक है चंदेल वंश के इस महान शासक के बारे में हमें जानकारी देखते को मिलती है, ठीक है चेदी वंश और चेदी शासक के बारे में, ठीक है ध्यान में रखें, उड़ीसा का था। नगरोको का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता है? ठीक है तो गुप्त काल की मतलब महत्वपूर्ण विशेषता आपको देखने को मिलता है। ठीक है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल के उत्तर पश्चिम भारतीय, ठीक है व्यापार के लिए प्रसिद्ध, निम्न से कौन सा बंदरगाह उत्तर सॉरी गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? ठीक है तो यहाँ पे ताम्रलिप्ति हो जाएगा। ठीक है उसके बाद बात करेंगे तो भरोच भी था, ठीक है दोनों हो जाएगा। ठीक है भरोच था, हाँ बिल्कुल ठीक है, ताम्रलिप्ति और भरोस दोनों हो जाएगा। ठीक है गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था। यहाँ से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया चीन लंका जावा सुमत्रा आदि देशों का व्यापार होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह जो था भरोस था, जिसको मिर्गी 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 कच्छ कहा जाता था, ठीक है जहां से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता। इसके अलावा कल्याण तथा कैम्बे से भी उत्तर भारत का व्यापार होता। सारे के सारे ऑप्शन सही है। ठीक है किस शासक वंश ने मंदिरों तथा ब्राह्मणों को सबसे अधिक मतलब ग्राम अनुदान में दिया? सात बाहना कहाँ गया? ठीक है सातवां सात, अच्छा यहाँ पे गुप्त, अच्छा सबसे अधिक पूछ रहा है। ठीक है ग्राम देने का तो सात बाहन ने भी काम किया था, लेकिन किस शासक वंश ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए? तो गुप्ता हो जाएगा। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सात बाहन ने भी हाल ही की दिया था, दक्षिण भारत में नहीं दिया क्या सोल्यूशन में? छोड़िए। गुप्त युग में भूमि के राजस्व दर क्या था? तो बात कर चुके हैं, उपज का छठा भाग था। ठीक है उपज का छठा भाग था। अगर टैक्स की बात करेंगे मौर्य एम्पायर में कितना था? ठीक है टैक्स तो 1/10 था। ठीक है किस चीज के टैक्स? बिक्री कर, ठीक है ध्यान में रखेंगे। ठीक है तो छह भाग होता था। हमारे हमारे जो हमारा जो वो जो है ना हमारे ग्रंथों में भी 1/6 की ही बात कही गई है। ठीक है भागवत संप्रदाय के विकास में सबसे अधिक किसकी देन था? सबसे अधिक गुप्तों का देन था। ठीक है इन्होंने इनके बहुत सारे शासकों ने भरम परम भागवत की उपाधि धारण की। ठीक है विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्त, गुप्तों का मतलब क्या था? राज चिन्ह था। ठीक है इससे भी पता चलता है कि ये लोग मतलब क्या थे, तो मतलब भागवत संप्रदाय का बहुत अधिक मतलब विकास मतलब किया था। ठीक है इनमें से किसने पहली बार ये व्यवस्था की थी कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय में सूर्यास्त होता है? ठीक है तो ये कौन थे? आर्यभट्ट है। ठीक है भले ही बाद में कॉपरनिकस इसको सीधे लेकर चला गया, लेकिन आर्यभट्ट ने इसे बहुत पहले मतलब इस चीज को मतलब क्या किया था? साबित कर दिया था। ठीक है ध्यान में रखना है आपको। ठीक है आगे चलेंगे तो क्या है, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में कार्य के लिए जाने जाते? कौन जाने जाते औषधि के क्षेत्र में? देखिए सुश्रुत जो था शल्य की क्रिया के क्षेत्र में जाने जाते सुश्रुत को, और सौमिल्या का, और क्षुद्रक, क्षुद्रक तो नहीं होगा, क्षुद्रक तो नाटककार था। ठीक है इसका आंसर क्या लिया? ई लिया है क्या? क्या लिया इसका आंसर? ई लिया है। ठीक है एक तो सुश्रुत हो जाएगा, क्षुद्रक तो नाटककार था, शौनक हो सकता है, 1 मिनट ए आंसर होना चाहिए, क्यों लिया इसका क्या पता? ठीक है शुद्रा क्यों होना चाहिए, सोल्यूशन में भी यही बोल रहा है, देखना पड़ेगा। चिनियाती वेनसोंग किस विश्वविद्यालय का अध्ययन करने आया था? ठीक है नालंदा विश्वविद्यालय का आया था। ठीक है जिस समय नालंदा विश्वविद्यालय का अध्ययन करने आया था वहां पे आचार्य कौन थे? तो शीलभद्र थे। ठीक है ध्यान, 1.5 वर्षों तक नालंदा में निवास करके उसने योग शास्त्र पे शिक्षा ग्रहण किया। इसके बाद वह बिहार उड़ीसा धान्यकाट होता हुआ काशी काची पहुंचा। अपनी यात्रा के दूसरे दौर में नालंदा और व्याख्यान दिए। ठीक है आवाज आ रही है? आ रही सर। बिल्कुल ठीक है। हुवेनसांग ने भारत की यात्रा के समय सूती कपड़ों का प्रमुख केंद्र की बात करें मथुरा था। ठीक है मथुरा जो था सूती कपड़ा के लिए बहुत ज्यादा मतलब फेमस था। ठीक है कबी बान किसका था? कबी बान, कबी बान निवासी था। तो कबी बान की बात करें पाटलिपुत्र का, बान का मतलब बान भट्ट। ठीक है
हर्षवर्धन का राज्य कभी था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा ये थोड़ा। और इसने मतलब हरचरित कादंबरी और चंडी शतक इनकी जो थी प्रमुख पुस्तक थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, हरचरित कादंबरी और चंडी शतक, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चीनी यात्री सिंह बिहार का भ्रमण कब किया था, ठीक है, इन्होंने बात उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 671 672 में मतलब किया था, ठीक है, कोई ऑप्शन इसके आसपास भी नहीं है, ठीक है, इसलिए गलत होगा, ठीक है। प्रसिद्ध यात्री फाइहान किसके शासनकाल में था, चंद्र द्वितीय के शासनकाल में फाइहान आया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। नंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो कहा गया कुमारगुप्त साहब, ठीक है, कुमारगुप्त जी थे ये नंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, गुप्ता वंश के मतलब क्या थे, प्रसिद्ध शासक थे। रामपत्र लेख दर्शाते कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क किससे था, तो जावा सुमित्रा से था, ठीक है, किससे था, तो जावा सुमित्रा था, क्योंकि वहां पे बालपुत्र देव के बारे में बात करते हैं। बालपुत्र के अनुरोध पे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव मतलब दान में दिए गए थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जावा के किस वंश के साथ शैलेंद्र वंशी शासक थे, बालपुत्र, ठीक है, किससे अनुरोध किया था, तो पाल वंश के शासक से अनुरोध किया था, तो मुझे कम से कम 5 गांव दे दो ताकि मैं नालंदा, ठीक है, नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव मांगे थे, ठीक है। स्वर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव मांगे थे, अभी जस्ट परे बालपुत्र देव हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। स्वर्ण भूमि किसे कहते थे, स्वर्ण भूमि, ठीक है, स्वर्ण भूमि किसे कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, जावा, इंडोनेशिया को स्वर्ण भूमि, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। नंदा विश्वविद्यालय का विनाश का कारण क्या था, मुसलमान, ठीक है, मुसलमानों का आक्रमण, बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ था, ठीक है, इसके वजह से नंदा विश्वविद्यालय को ध्वंस कर दिया गया। खाजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोग, खाजुराहो का निर्माण चंदेल शासकों ने किया था, कब किया, चंदेल शासकों ने, ठीक है। कंदरिया महादेव मंदिर जो है खाजुराहो का, यही आपको कंदरिया महादेव मंदिर मिलेगा जो कि सर्वोत्तम है, जिसका निर्माण अयाति केसरी ने आई थिंक करवाया था, ठीक है। विक्रमशिला शिक्षा का केंद्र का संस्थापक कौन था, विक्रमशिला का कौन था, तो आपको धर्मपाल हो जाएगा, ठीक है। विक्रमशिला बिहार के भागलपुर जिला में, उदंतपुरी कहाँ पड़ता है, उदंतपुरी बिहार शरीफ में पड़ता है, ठीक है। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है, ठीक है, चेल है, चोल है, पांड्य है, ठीक है, कदम के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। संगम साहित्य, 3 संगम साहित्य हुए थे, दो दो हुआ था, कहाँ हुआ था, मदुरई में हुआ था पहला, और तीसरा वाला मदुरई में हुआ था, दूसरा वाला कपाटपुरम में हुआ था, ठीक है। फाइनेंस किसने किया, पैसे किसने दिए थे, ठीक है, पांड्य शासकों ने अपने मतलब प्रशासन के दौरान ही करवाए थे, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, जो कि पांडे जहां पे भी संगम का काल जो हुआ था, दोनों दो, दो संगम वाला जो जगह जो है लगभग सारा का सारा डूब चुका है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। संगम में उरेर किसके लिए प्रसिद्ध है, उरेर जो था आपको कपास के लिए, ठीक है, कपास के लिए था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके लिए कावेरी नदी के तट पे अवस्थित उरेर संगमकालीन चोलों की राजधानी थे, यह कारी एवं, ठीक है, वारनम नामों से भी प्रसिद्ध है। संगम के उरेर कपास तथा सूती वस्त्रों का प्रमुख उद्योग भी था, ठीक है, बहुत बड़ा सेंटर था। मुद्रा रक्षक के लेखा कौन था, तो मुद्रा रक्षक के लेखा की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा, तो कौन हो जाएगा, विशाखा दत्त हो जाएगा, ठीक है। इसमें मतलब क्या, चंद्र कुमारियों का विशल और कुलहीन का मतलब बताया गया है, ये आपको ध्यान में रखना। पृथ्वी राजाओं का लेखक चंद्रवर डाई, ठीक है, यहाँ पे इनकी प्रेम कहानी भी आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे शब्द भेदी बाण जो है, जो कि शब्द भेदी बाण मारते हैं, पृथ्वी गौरी की मृत्यु हो जाती है, सारे चीज इनपे दिखाया गया है, ठीक है, पृथ्वी राजदसो, ठीक है। स्वप्नवास दत्ता, स्वप्नवास दत्ता के लेखक कौन है, स्वप्नवास दत्ता के लिए वास साहब कहेंगे, वास जो है स्वप्नदाता, स्वप्नवास दत्ता के लेखक है, ठीक है, ध्यान रखें। का महाकवि वास के 13 नाटक आपको उपलब्ध है, जिन्हें 1909 में श्री टी गणपति शास्त्री ने 52 को राजा से प्राप्त किया था। इन नाटकों का नाम क्या है, ये सारा जो है नाटक का नाम है, पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आपसे कुमार संभव महाकाव्य किस कवि का था, कालिदास, कहा गया कालिदास, ठीक है, कालिदास जी का कुमार संभवम, ठीक है। कृता जुर्नियम की पुस्तक किनकी है, ये आपकी पुस्तक है भारावी का है, ठीक है। महाभारत की कहानी आपको यहाँ पे ली गई है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसमें अर्जुन तथा किरात, विषधारी शिव के बीच में मतलब युद्ध होता है, ठीक है, ध्यान में रखिए। अर्जुन और मतलब क्या, तो शिव के बीच में युद्ध के बारे में कृता जुर्नियम के में कहानी आपको देखने को मिलता है, जो कि भारावी की कहानी है, ठीक है। आप देखेंगे क्या उन स्रोत का नाम पता है, जो कि प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पे मौन है, ठीक है, किसी भी तरह के जानकारी, मिलिंदपन हो जो व्यापारिक मार्ग के क्या मौन है, दो व्यक्ति के बीच का संवाद है, ठीक है, इसमें किसके मिलिंदपन हो, ठीक है। इसमें नागसेन के मतलब जवाब होते हैं, मिलिंद के मतलब प्रश्न, मिलिंद जो होता है राजा होता है, हिंद इवन का मतलब शासक जो था, मीनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन है, क्योंकि व्यापारिक मार्गों पे नहीं, ठीक है। मिलिंद जो था बहुत सारा प्रश्न पूछते हैं, नागसेन जो जवाब देते हैं, इन्हीं के बीच का जो बातचीत है उसके ऊपर एक पुस्तक है जिसको मिलिंदपन हो के नाम से जानते हैं, ठीक है। हरचरित नामक पुस्तक किसने लिखी, इसका लेखक जो है बाण भट्ट, कौन है इसके लेखक, बाण भट्ट, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हरचरित मुख्य रूप से हर्ष का चरित्र, मतलब हर्ष के करेक्टर के बारे में बताया गया, मुख्यतः हर्ष की मतलब क्या की गई, प्रशंसा की गई है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मुख्यतः क्या की गई है, तो मुख्यतः मतलब क्या गया, प्रशंसा की गई, ठीक है।
जब भी चरित लगाओगे उसको प्रशस्ति पत्र बोलते हैं, ठीक है, प्रशस्ति बोलते हैं, ठीक है। प्रशस्ति में क्या होता था, राजा जो था ना अपने दरबार में रहने वाले लोगों से क्या करवाता था, प्रशंसा करवाता था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आगे चलेंगे चोल वंश का संस्थापक, चोल वंश का संस्थापक विजयालय हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, दक्षिण भारतीय राज्य था, ठीक है। तंजौर को अपने अधिकार में 850 में ले लिया। राजराजेश्वर शिव मंदिर जो देखते हैं ना, शिव मंदिर जो राजराजेश्वर या फिर उसी को बृहदेश्वर का मंदिर भी कहते हैं, ठीक है, उसका भी निर्माण, ठीक है, इसी वंश के शासक के द्वारा करवाया गया था, ठीक है, जिसका राजराज प्रथम नाम था। चोल चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था, इसने श्रीलंका पर अधिकार कर लिया था, पता है, तो अपने दोस्त दो चीज लेता है, अगर इसमें रहेगा नौ सैनिक के लिए तो वो भी होगा, हालांकि ग्राम प्रशासन के लिए था, ठीक है, अगर नौ सैनिक वाला ऑप्शन नहीं है, ठीक है, देख लीजिए, लेकिन नौ सैनिक के लिए भी प्रसिद्ध था, ठीक है। कौन सा मध्यकालीन भारतीय शासक व्यापार स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था, स्थानीय स्वशासन के लिए चोल था, ग्रामीण स्वतंत्रता की बात कही गई थी। दक्षिण भारत में मंदिरों का आकर्षक द्वार को क्या बोलते थे, गोपुरम बोलते थे। अब यहाँ पे मंडपम क्या होता था, मंडपम जहाँ पे लोग इकट्ठा होते थे, ठीक है, लोग यहाँ पे जमा होते थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था। शिखर क्या होता था, शिखर सबसे ऊंची वाला जो चोटी जो होता है उसका शिखर होते थे, काफी हाइट पे होता था। एक होता था गर्भगृह होता था, गर्भगृह में क्या होता है, जहाँ पे मुख्य देवता रखे जाते थे, ठीक है, जब सामूहिक कार्यक्रम होता था गर्भगृह के देवता को मंडप में निकालते थे, पूजा वगैरह करते थे। गर्भगृह में जाने की अनुमति होती थी, कोई नहीं जा सकता था, केवल देव केवल जो मुख्य जो मतलब मुख्य जो मतलब जो पुजारी जो होते थे ना वही जाते थे गर्भगृह में, ठीक है, या फिर जो कभी राजा जो होते थे या फिर जो राजा के जो संबंधी वगैरह होते तो वो जाते थे गर्भगृह में, ठीक है। तो मैंने सारा कुछ आपको बता दिया, ठीक है, बहुत सारा शैली डेवलप होता है, लेकिन दक्षिण भारत में मुख्य रूप से जो शैली जो थी वो कौन सी शैली थी, कौन सी शैली थी, द्रविड़ शैली थी, ठीक है, द्रविड़ शैली थी, ठीक है। इस तरीके से आपके जो थे इतिहास के बीपीएससी के 68वीं बीपीएससी से 67वीं बीपीएससी से लेके 68वीं बीपीएससी तक के जितने भी प्रश्न थे प्राचीन भारत के, वो मतलब क्या होते हैं, संपन्न होते हैं, ठीक है। ये वीडियो को मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, इच्छा हो तो दोबारा भी आप लोग प्रैक्टिस